देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? इतना बड़ा गैंगस्टर था। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियो के फ्रेश न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आपको यहां मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी इस वक्त चल रही है। KGF में आखिर किसका राज होने वाला है? अधीरा वापस आएगा तो कैसे रॉकी भाई उसका सामना करेंगे? रमिका सेन ने क्यों आखिर भाई के खिलाफ डेथ वारंट निकाला? ऐसे कितने सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए पिछले 3 सालों से पूरी इंडिया की ऑडियंस इंतजार में बैठी है। आखिरकार इस फिल्म को 2021 में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक में दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज डेट अगले साल 14 अप्रैल तक शिफ्ट कर दी गई। काफी लंबे इंतजार के बाद KGF से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। KGF के पहले पार्ट में अपनी सुरीली आवाज देने वाली सिंगर अनन्या भट्ट का सिंगल सॉन्ग KGF चैप्टर 2 में भी रिकॉर्ड किया गया है, और वो गाना बहुत जल्द अगले महीने ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। जब इस गाने से रिलेटेड अनन्या भट्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो इस सॉन्ग की रिलीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फैंस के लिए उन्होंने एक स्पेशल मैसेज दिया जिसमें उन्होंने बताया कि सभी को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। गाने को रिकॉर्ड करते हुए उन्हें बेहद ही ज्यादा खुशी थी। ये गाना काफी ज्यादा खूबसूरत है और एक अलग ही इम्पैक्ट फैंस के बीच में छोड़ने वाला है। KGF फिल्म को लेकर इस गाने से सभी की एक्साइटमेंट 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। उनके इस इंटरव्यू के बाद से ही KGF चैप्टर 2 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। गाना अभी तक रिलीज भी नहीं किया गया है, लेकिन KGF की हाइप वापस से बढ़ गई है, जिस वजह से फैंस ने ट्विटर पर एक अलग डिमांड करके KGF की मेन कॉज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। फैंस की काफी ज्यादा ही डिमांड आ रही है कि कोरोना की थर्ड वेव अगले साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो कहीं फंकी रिलीज डेट वापस ना हो जाए। इसलिए फैंस चाहते हैं कि इस फिल्म को 2021 में अभी किसी भी महीने के अंदर अंदर रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हालत काफी ज्यादा काबू में है और थिएटर्स को भी अगले महीने से खोला जा रहा है, जिस वजह से फैंस डिमांड की है कि 2021 में ही फिल्म को रिलीज किया जाए। फैंस की इस डिमांड से ट्विटर पर एक अलग ही माहौल बन गया है। हर कोई काफी ज्यादा ट्वीट करके फिल्म की रिलीज डेट को वापस से रिशेड्यूल करके 2021 में रिलीज करने की डिमांड कर रहा है। लेकिन फैंस की डिमांड का रिस्पॉन्ड देते हुए मेकर्स ने बताया कि फिल्म को फाइनल कर दिया गया है 14 अप्रैल 2022 में रिलीज करने के लिए, और तभी फिल्म को रिलीज भी किया जाएगा। कोरोना के थर्ड वेव भी अगर आती है तो फिल्म की रिलीज डेट शायद चेंज ना हो। तो दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं? फिल्म की रिलीज डेट को वापस से 2021 के किसी महीने में शेड्यूल किया जाए, या फिर अगले साल तक का आप वेट कर सकते हैं? आपकी क्या इच्छा है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिल्म से रिलेटेड आज के अपडेट में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, कभी कभी सभी फैंस को ये सुनकर जरूर शॉक लगता है कि उनके मन पसंदीदा एक्टर्स को भी किसी मूवी में एक्ट करने के लिए कैसी कैसे अटपटी डाइट प्लान फॉलो करने पड़ते हैं। कभी कभी तो दोस्तों ऐसे डरा देने वाली खबरें भी सामने आ जाती है, जहाँ पर दोस्तों ये कहा जाता है कि एक्सट्रीम डाइट के कारण कोई स्टार सेट पर ही फेंट हो गया, या फिर उसे अचानक से ही चक्कर आ गए। ये सोचकर ही ख्याल आता है कि स्टार्स वाकई में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं इस मूवी के लिए। तो दोस्तों, आइए हम आप लोगों को एक ऐसी ही अपकमिंग मूवी में उस मूवी के मेन एक्टर ने कैसे कैसे अनोखे डाइट एंड जिम प्लान्स फॉलो किए हैं वो बताते हैं। तो जिस मूवी की यहाँ बात की जा रही है वो है अपकमिंग मूवी KGF 2। तो दोस्तों, यश हमेशा से ही एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं,
दोस्तों बता दूं कि वो मीट और अल्कोहल को हमेशा दो ओकेजंस पर ड्रॉप कर देते हैं, पहला है न्यू ईयर के टाइम पर और दूसरा है मकाओ के टाइम पर। यश रोज स्मॉल ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं जिसके बाद वो हमेशा अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। यश हमेशा अपना ब्रेकफास्ट खुद ही प्रिपेयर करते हैं जिसमें सबसे नेसेसरी होता है क्रैब और इसके साथ साथ होता है बिग बाउल ऑफ नटमेग, 8 ब्राउन ब्रेड्स, 8 एग्स एंड वेजिटेबल्स। ये फूड रिक्वायरमेंट है उनके हर कैरेक्टर के साथ बदल जाती है। बस बता दूं कि रोज 11 बजे यश प्रोटीन शेक्स एंड फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। यश को फिश खाना काफी पसंद है लेकिन हर मूवी से एक वीक पहले वो फिश का कंजम्पशन बंद कर देते हैं। उन्होंने केचिप 2 से पहले भी ऐसा ही करा है। और सबसे अजीब जिम हैबिट जिसको यश फॉलो करते हैं वो है रोज 2 बार जिम जाने की हैबिट। दोस्तों केजीएफ 2 के लिए यश ने अपने डेली फिटनेस शेड्यूल डबल कर दिया है। वो सुबह 6 बजे जिम चले जाते थे जहां पर वो कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे वर्कआउट करते थे और यश के ट्रेनर ने केजीएफ 2 से रिलेटेड यश का ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके लिए कहा है कि यश का ट्रेनिंग शेड्यूल डिफरेंट एक्सरसाइज में बटा हुआ है और ये बात बिल्कुल सच भी है। यश सुबह अपनी ट्रेनिंग कार्डियो से शुरू करते हैं जिसके बाद वो शाम को हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। यश ने केजीएफ 2 के लिए जो कि उनकी ही तरह फिट बॉडी पाना चाहते हैं। अब इस फिल्म के रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म से जुड़ी कई और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और दोस्तों क्या है फिल्म की शूटिंग लोकेशन से जुड़ी की डिटेल्स, क्या होने वाला है केजीएफ 2 का क्लाइमेक्स, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों आज एक बार फिर बात करने वाले हैं फिल्म केजीएफ के अपकमिंग चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि केजीएफ चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई थी और वर्ल्ड वाइड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। यही रीजन है कि इसका चैप्टर 2 सभी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में मोस्ट एंटिसिपेटेड है। इस फिल्म से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर यश को भी सिनेमैटिक फैंस से काफी रिकॉग्नाइजेशन मिली और अब उनकी गिनती एक रेजिंग सुपरस्टार के तौर पर की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म केजीएफ 2 के शूटिंग लोकेशंस के बारे में। जब से केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई और खबरें आई कि केजीएफ चैप्टर 2 भी जल्द ही आने वाली है, सभी फैंस के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन सी है वो लोकेशन जहां पर केजीएफ 2 की शूटिंग चल रही है। तो आपको बता दें मार्च 2019 में ही फिल्म का पहला शूटिंग सीक्वेंस हैदराबाद में शूट किया गया था जो अगले कुछ महीनों तक चला, लेकिन उसके बाद मार्च 2020 में ही कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से इसे रोक दिया गया और उसके कुछ ही महीनों बाद यानी अगस्त 2020 में बैंगलोर के कटिवारा स्टूडियो में फिल्म को रिज्यूम किया गया। बैंगलोर के फेमस कोलार गोल्ड फील्ड्स में भी फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की शूटिंग हुई है। केजीएफ 2 के शूटिंग लोकेशंस का सबसे बड़ा हाईलाइट पार्ट था गोवा का दूधसागर वाटरफॉल्स। जी हाँ, इस जगह पर यश के कुछ धमाकेदार एक्शन स्टंट्स की शूटिंग हुई है और जो इस फिल्म के सबसे अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस के तौर पर माना जा रहा है। जी हाँ, बता दे दूधसागर वाटरफॉल्स इंडिया की सबसे खूबसूरत और एग्जॉटिक लोकेशंस में से एक है और उस लोकेशन पर शूट किया गया है यश का खतरनाक एक्शन स्टंट। कितना थ्रिलिंग होने वाला है हम इस बात का अंदाजा सिर्फ बातों से ही लगा सकते हैं। जल्द ही फिल्म रिलीज होने वाली है, हम जानते हैं आप सभी इस अपकमिंग फिल्म के लिए बेहद उत्सुक हैं। दोस्तों किसी भी फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का क्लाइमेक्स, स्पेशली जब फिल्म एक एक्शन थ्रिलर हो, इसीलिए फिल्म मेकर्स कभी अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स को रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन मजे की बात तो ये है कि हम आपको केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। बता दें फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए एक सुपर एक्सपेंसिव सेट का अरेंजमेंट किया गया और सेट को हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में लगाया गया। क्लाइमेक्स के सीक्वेंस का ये मेन सीन यश और संजय दत्त के बीच एक दमदार एक्शन स्टंट पर बेस्ड रहने वाला है। माना जा रहा है कि ये एक्शन सीक्वेंस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आज तक का सबसे एक्सपेंसिव एक्शन सीक्वेंस होने वाला है जो वाकई में ऑडियंस को सरप्राइज कर देगा।
आप सभी कितने एक्साइटेड हैं KGF 2 के लिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। क्या KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट हुई कंफर्म? कब रिलीज होगी ये फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 का वेट इतना ज्यादा कर लिया है कि अब रहा नहीं जाता, क्योंकि लगातार रिलीज डेट भी सामने आती रही। 16 जुलाई को कहा गया कि 2021 को ये रिलीज हो जाएगी, ये रिलीज नहीं हुई कोविड के कारण। लेकिन अब फाइनली पता चल चुका है, कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली कि अब KGF चैप्टर 2 रिलीज होने ही वाली है। KGF चैप्टर 2 को लेकर इतना बस इसीलिए बन रहा है क्योंकि 2018 में जो KGF रिलीज हुई उसने धमाका मचा दिया। जीरो जैसी फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म को टक्कर भी आगे निकल गई, तो आप सोचिए कितना स्टैमिना रखती थी KGF अपने आप में। अब आपको बता दें कि रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है। पहले 16 जुलाई 2021 को ये फिल्म रिलीज होनी थी, अब 16 जुलाई 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया जाना है। दोस्तों, कंफर्म हो चुका है कि इस फिल्म को रिलीज होना है और बहुत कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में। तो दोस्तों, आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि फाइनली KGF चैप्टर 2 रिलीज होने जा रही है। आप फिल्म मेकिंग के क्या है खास किस्से, कितना टाइम लगा मूवी को बनाने में, फिल्म मेकिंग की किस चीज में लगा सबसे ज्यादा वक्त? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। अगर हम सभी इंडियन सिनेमा में अब तक की टॉप सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की बात करें तो काफी सारे आइकॉनिक मूवीज में ख्याल आता है। आपकी राय में कौन सी हो सकती है अब तक की सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एक सुपर सक्सेसफुल फिल्म जिसने अपनी फिल्म मेकिंग में बाहुबली को भी पछाड़ दिया, वो है वर्ल्ड फेमस कन्नड़ा मूवी KGF। KGF एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसने अपनी अमेजिंग फिल्म मेकिंग से सबका दिल जीता। पर दोस्तों, क्या हो सकती है KGF फिल्म की मेकिंग के बारे में अनसुने किस्से? इस वीडियो में हम आपको KGF मूवी से मेकिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस फिल्म की मेकिंग 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में हुई है, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, हिंदी और तेलुगु। यही नहीं, KGF ऐसी पहली कन्नड़ा मूवी बनी जो पाकिस्तान में भी रिलीज हुई हो। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, इस फिल्म को बनने में पूरे 4 साल का वक्त लगा था। अगर हम फिल्म के लास्ट शॉट की बात करें तो फिल्म के लास्ट शॉट में 1000 लोग थे। फिल्म के सेट के बारे में बात की जाए तो शूटिंग के दौरान फिल्म का सेट 2 बार भारी बारिश स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से गिर चुका था। इसे दोबारा रिबिल्ड किया गया और शूटिंग रिज्यूम हुई। में काफी तरीके से स्पेशल इफेक्ट्स भी यूज हुए और फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। शूट लोकेशंस और सेट डिजाइन में भी काफी डिटेल्स के साथ फिल्म मेकर्स ने काम किया। फिल्म का इनिशियल बजट 80 करोड़ था, पर फिल्म ने 250 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म को भारी अमाउंट में प्रॉफिट हुआ। फिल्म के सेट से लेके स्क्रिप्ट तक हर चीज डिजाइन करने में पूरे 3 साल लग गए थे। तो दोस्तों, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि KGF के बारे में आपने जो इस वीडियो में सुना उसमें से क्या आपने पहले सुन रखा था और क्या बात आपको बिल्कुल खास लगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और किरदार के बारे में क्या कहा डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म की रियलिटी से अलग होने पर? क्या कभी KGF को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी। KGF चैप्टर 2 के लिए हर कोई बेकरार है। इस फिल्म के पहले चैप्टर ने अपनी जो हम पर छाप छोड़ी है और जिस तरह रॉकी भाई को आप सभी का प्यार मिला, वो इसी बात से पता चल जाता है कि फिल्म 2018 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म बन गई और आज 3 साल बाद भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है। वहीं फिल्म के बाद कई लोगों को तो ये पता चला कि KGF असलियत में कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां दुनिया की सेकेंड डीपेस्ट सोने की खदान है। मुन्ना भैया ने ऐसे ही नहीं बोला था, पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS YAS बनो। उन्हें पता है देश के कितने अच्छे दिन आ चुके हैं। खैर, अगर लोग KGF की असली कहानी से अनजान हैं तो चलिए हम थोड़ा सा ज्ञान बांट देते हैं, लेकिन फ्री में ज्ञान नहीं बांट रहे, फीस तो लगेगी और वो है आप लोगों का हमारे चैनल के लिए प्यार और सब्सक्रिप्शन। वहीं करते हैं शुरू इस वीडियो को लेकर रॉकी भैया का नाम। तो दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक माइन क्षेत्र है। ये फिल्म 70 के दशक पर बेस्ड है और कोलार गोल्ड फील्ड्स के फेमस राउडी थंगम की रियल लाइफ कहानी पर बेस्ड है। लेकिन फिल्म के लेखक और डायरेक्टर प्रशांत नील इस बात को नहीं मानते। साल 1871 था जब ब्रिटिश सेना के एक रिटायर्ड आयरिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लोवेल ने बैंगलोर कंटेनमेंट को अपना घर बना लिया। रिटायरमेंट लोवेल के लिए एक ड्रैग था जो न्यूजीलैंड में माओरी युद्ध से लड़कर अभी अभी लौटे थे। हालांकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को बड़े पैमाने पर बनाने की उम्मीद थी, लेकिन
क्लोवेल ने अपना अधिकांश समय पढ़ने में बिताया और 1804 एशियाटिक जर्नल के एक 4 पेज के लेख ने लॉवेल को एक ऐसी यात्रा पर भेजा जिसने दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड्स को जन्म दिया। ब्रिटिश इंजीनियरों और दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए कोलार छोटा इंग्लैंड था। इंग्लैंड के बंगले और क्लब जैसे मौसम ने केजिफ को एक आदर्श घर बना दिया। ब्रिटिश माइन कॉलोनाइजेशन होने के कारण केजिफ में जीवन ब्रिटिश संस्कृति के काफी प्रभावित था। जबकि 2018 की फिल्म केजीएफ, जिसे साल की सबसे बड़ी कन्नड़ फिल्म के रूप में जाना जाता है, ने इस भूली बिसरी माइन सिटी और भारत के गोल्ड रश के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा की है। मेकर्स मानते हैं कि फिल्म एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है बल्कि फिक्शन है। हालांकि ये कोलार गोल्ड फील्ड की रियल कहानी की तुलना में काफी अलग है। आपको बता दें, संजय दत्त के साथ केजीएफ 2 की कहानी अब आगे बढ़ाई जा रही है और जिस दिन से संजय का अधेरा का फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, तब से हर कोई संजय और यश के बीच एक डार्क और इंटेंस फेस ऑफ का वेट कर रहा है। वहीं संजय का लुक फिल्म में काफी अलग और हटकर है, जिसे पहले हमने या तो हिस्टोरिकल फिल्मों या हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा है और पसंद किया है। और आपको बता दें, नार्ची गोल्ड नाम की वेबसाइट पर अधीरा द्वारा पहनी गई और पोस्टर में देखी गई सिल्वर लायन शेप रिंग ऑनलाइन भी बिक रही है, वो भी 3,000 रुपए में। इस शेर की शक्ल वाली रिंग का क्या है महत्व, तो ये रेफरेंस शायद अधीरा के लिए दिया गया है। वहीं यश का केजीएफ चैप्टर 2 से वायरल हुआ पोस्टर में भी ये शेर की मूर्ति बैकग्राउंड में दिख रही है, जिसके सामने बंदूक पकड़े यश युद्ध के लिए तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या अधीरा की टेरिटोरी में रख दिया है रॉकी ने कदम, और क्या अंजाम होगा इस ट्रेसपासिंग का? और क्या आपने अधीरा की गड़ी हुई तलवार के उस पोस्टर को देखा जिसकी टैगलाइन है अनवीलिंग द ब्रुटैलिटी? क्या आपने तलवार के पीछे की सफेद लाइन पर ध्यान दिया है? क्या ये हिंट देता है कि अधीरा कुछ समय के लिए केजीएफ पर कब्जा करने में सफल होगा? क्योंकि सफेद रेखा को दूसरों द्वारा पार नहीं किया जाना चाहिए था, इसीलिए अधीरा ने तलवार को उस रेखा के बाहर गाड़ दिया था जो उसके डोमिनेंस को इंडिकेट करता है। फर्स्ट लुक में 71 वर्षीय अभिनेता ड्रेडलॉक हेयर स्टाइल, एक ब्रेड और अंडरकट और टैटू जैसे वर्सेटाइल एलिमेंट्स के मिक्सचर के साथ एक हॉलीवुड हिस्टोरिक विलन की वाइब दे रहे हैं। ये सभी एलिमेंट्स अधीरा के कैरेक्टर में फियर्सनेस और पर्सनालिटी को जोड़ते हैं। इस तरह के परफेक्शन के लिए शूट के दिन इस हेयर स्टाइल को बनाने में घंटों लग जाते थे। हमने हॉलीवुड की मशहूर सीरीज वाइकिंग्स में भी इसी तरीके के एलिमेंट्स देखे हैं। फिल्म में संजय दत्त के चेहरे पर एक वर्टिकल टैटू है। देवनागरी स्क्रिप्ट के कुछ शब्द उनके चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं और माना जा रहा है कि ये संजय दत्त के कैरेक्टर के लिए पवित्रता तप्पु रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि 14 अप्रैल 2022 को केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने की अब कंफर्मेशन आ गई है, तो दूसरी ही ओर थिएटर्स भी खुल रहे हैं। ऐसे में लगता है अब ये रिलीज होकर ही रहेगी और फाइनली अब रॉकी अपनी माँ का सपना पूरा कर सकेगा। वहीं फिल्म से जुड़े किस विलन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, रमिका सेन, इनायत खलील या फिर अधीरा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। फिल्म मेकिंग के क्या है खास किस्से, कितना टाइम लगा मूवी को बनाने में, फिल्म मेकिंग की किस चीज में लगा सबसे ज्यादा वक्त? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। अगर हम सभी इंडियन सिनेमा में अब तक की टॉप सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की बात करें तो काफी सारे आइकॉनिक मूवीज में ख्याल आता है। आपकी राय में कौन सी हो सकती है अब तक की सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एक सुपर सक्सेसफुल फिल्म जिसने अपनी फिल्म मेकिंग में बाहुबली को भी पछाड़ दिया, वो है वर्ल्ड फेमस कन्नड़ा मूवी केजीएफ। केजीएफ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसने अपनी अमेजिंग फिल्म मेकिंग से सबका दिल जीता। पर दोस्तों, क्या हो सकती है केजीएफ फिल्म की मेकिंग के बारे में अनसुने किस्से? इस वीडियो में हम आपको केजीएफ मूवी से मेकिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस फिल्म की मेकिंग 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में हुई है, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, हिंदी और तेलुगु। यही नहीं, केजीएफ ऐसी पहली कन्नड़ा मूवी बनी जो पाकिस्तान में भी रिलीज हुई हो। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, इस फिल्म को बनने में पूरे 4 साल का वक्त लगा था। अगर हम फिल्म के लास्ट शॉट की बात करें तो फिल्म के लास्ट शॉट में 1,000 लोग थे। फिल्म के सेट के बारे में बात की जाए तो शूटिंग के दौरान फिल्म का सेट 2 बार भारी बारिश स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से गिर चुका था। इसे दोबारा रिबिल्ड किया गया और शूटिंग रिज्यूम हुई। फिल्म
में काफी तरीके से स्पेशल इफेक्ट्स भी यूज हुए और फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। शूट लोकेशंस और सेट डिजाइन में भी काफी डिटेल्स के साथ फिल्म मेकर्स ने काम किया। फिल्म का इनिशियल बजट 80 करोड़ था पर फिल्म ने 250 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म को भारी अमाउंट में प्रॉफिट हुआ। फिल्म के सेट से लेके स्क्रिप्ट तक हर चीज डिजाइन करने में पूरे 3 साल लग गए थे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि केजीएफ के बारे में आपने जो इस वीडियो में सुना उसमें से क्या आपने पहले सुन रखा था और क्या बात आपको बिल्कुल खास लगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और किरदार के बारे में क्या कहा डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म की रियलिटी से अलग होने पर, क्या कभी केजीएफ को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी। केजीएफ चैप्टर 2 के लिए हर कोई बेकरार है। इस फिल्म के पहले चैप्टर ने अपनी जो हम पर छाप छोड़ी है और जिस तरह रॉकी भाई को आप सभी का प्यार मिला, वो इसी बात से पता चल जाता है कि फिल्म 2018 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म बन गई और आज 3 साल बाद भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है। वहीं फिल्म के बाद कई लोगों को तो ये पता चला कि केजीएफ असलियत में कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां दुनिया की सेकेंड डीपेस्ट सोने की खदान है। मुन्ना भैया ने ऐसे ही नहीं बोला था पढ़ाई वढ़ाई करो आईएएस वाईएएस बनो, उन्हें पता है देश के कितने अच्छे दिन आ चुके हैं। खैर, अगर लोग केजीएफ की असली कहानी से अनजान हैं तो चलिए हम थोड़ा सा ज्ञान बांट देते हैं, लेकिन फ्री में ज्ञान नहीं बांट रहे, फीस तो लगेगी और वो है आप लोगों का हमारे चैनल के लिए प्यार और सब्सक्रिप्शन। वहीं करते हैं शुरू इस वीडियो को लेकर रॉकी भैया का नाम। तो दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक माइन क्षेत्र है। ये फिल्म 70 के दशक पर बेस्ड है और कोलार गोल्ड फील्ड्स के फेमस राउडी थंगम की रियल लाइफ कहानी पर बेस्ड है, लेकिन फिल्म के लेखक और डायरेक्टर प्रशांत नील इस बात को नहीं मानते। साल 1871 था जब ब्रिटिश सेना के एक रिटायर्ड आयरिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लोवेल ने बैंगलोर कंटेनमेंट को अपना घर बना लिया। रिटायरमेंट लोवेल के लिए एक ड्रैग था जो न्यूजीलैंड में माओरी युद्ध से लड़कर अभी अभी लौटे थे। हालांकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को बड़े पैमाने पर बनाने की उम्मीद थी, लेकिन लोवेल ने अपना अधिकांश समय पढ़ने में बिताया और 1804 एशियाटिक जर्नल के एक 4 पेज के लेख ने लोवेल को एक ऐसी यात्रा पर भेजा जिसने दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड्स को जन्म दिया। ब्रिटिश इंजीनियरों और दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए कोलार छोटा इंग्लैंड था। इंग्लैंड के बंगले और क्लब जैसे मौसम ने केजीएफ को एक आदर्श घर बना दिया। ब्रिटिश माइन कॉलोनाइजेशन होने के कारण केजीएफ में जीवन ब्रिटिश संस्कृति के काफी प्रभावित था। जबकि 2018 की फिल्म केजीएफ, जिसे साल की सबसे बड़ी कन्नड़ फिल्म के रूप में जाना जाता है, ने इस भूली बिसरी माइन सिटी और भारत के गोल्ड रश के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा की है। मेकर्स मानते हैं कि फिल्म एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है बल्कि फिक्शन है। हालांकि ये कोलार गोल्ड फील्ड की रियल कहानी की तुलना में काफी अलग है। आपको बता दें, संजय दत्त के साथ केजीएफ 2 की कहानी अब आगे बढ़ाई जा रही है और जिस दिन से संजय का अधेरा का फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, तब से हर कोई संजय और यश के बीच एक डार्क और इंटेंस फेस ऑफ का वेट कर रहा है। वहीं संजय का लुक फिल्म में काफी अलग और हटकर है, जिसे पहले हमने या तो हिस्टोरिकल फिल्मों या हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा है और पसंद किया है। और आपको बता दें, नार्ची गोल्ड नाम की वेबसाइट पर अधीरा द्वारा पहनी गई और पोस्टर में देखी गई सिल्वर लायन शेप रिंग ऑनलाइन भी बिक रही है, वो भी 3,000 रुपए में। इस शेर की शक्ल वाली रिंग का क्या है महत्व, तो ये रेफरेंस शायद अधीरा के लिए दिया गया है। वहीं यश का केजीएफ चैप्टर 2 से वायरल हुआ पोस्टर में भी ये शेर की मूर्ति बैकग्राउंड में दिख रही है, जिसके सामने बंदूक पकड़े यश युद्ध के लिए तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या अधीरा की टेरिटोरी में रख दिया है रॉकी ने कदम, और क्या अंजाम होगा इस ट्रेसपासिंग का? और क्या आपने अधीरा की गड़ी हुई तलवार के उस पोस्टर को देखा जिसकी टैगलाइन है अनवीलिंग द ब्रुटैलिटी? क्या आपने तलवार के पीछे की सफेद लाइन पर ध्यान दिया है? क्या ये हिंट देता है कि अधीरा कुछ समय के लिए केजीएफ पर कब्जा करने में सफल होगा? क्योंकि सफेद रेखा को दूसरों द्वारा पार नहीं किया जाना चाहिए था, इसीलिए अधीरा ने तलवार को उस रेखा के बाहर गाड़ दिया था जो उसके डोमिनेंस को इंडिकेट करता है। फर्स्ट लुक में 71 वर्षीय अभिनेता ड्रेडलॉक हेयर स्टाइल, एक ब्रेड और अंडरकट और टैटू जैसे वर्सेटाइल एलिमेंट्स के मिक्सचर के साथ एक हॉलीवुड हिस्टोरिक विलन की वाइब दे रहे हैं। ये सभी एलिमेंट्स अधीरा के कैरेक्टर में फियर्सनेस और पर्सनालिटी को जोड़ते हैं।
इस तरह के परफेक्शन के लिए शूट के दिन इस हेयर स्टाइल को बनाने में घंटों लग जाते थे। हमने हॉलीवुड की मशहूर सीरीज वाइकिंग्स में भी इसी तरीके के एलिमेंट्स देखे हैं। फिल्म में संजय दत्त के चेहरे पर एक वर्टिकल टैटू है। देवनागरी स्क्रिप्ट के कुछ शब्द उनके चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं और माना जा रहा है कि ये संजय दत्त के कैरेक्टर के लिए पवित्र का तप्पु रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि 14 अप्रैल 2022 को केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने की अब कंफर्मेशन आ गई है, तो दूसरी ही ओर थिएटर्स भी खुल रहे हैं। ऐसे में लगता है अब ये रिलीज होकर ही रहेगी और फाइनली अब रॉकी अपनी माँ का सपना पूरा कर सकेगा। वहीं फिल्म से जुड़े किस विलन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, रमिका सेन, इनायत खलील या फिर अधीरा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। कौन है रील और रियल लाइफ के खलनायक? केजीएफ 2 के अलावा शमशेर और पृथ्वीराज में कैसे दिखेगा संजय का अंदाज? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केजीएफ 2 के खलनायक संजय दत्त के बारे में। बता दें कि 61 साल के संजय दत्त के लिए केजीएफ चैप्टर 2 का अधीरा किरदार सबसे चैलेंजिंग और टफ माना जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म में वो लॉर्जर देने लाइफ किरदार रॉकी से लड़ने के साथ ही तरह तरह के एक्शन करते दिखेंगे जिसमें तलवारबाजी सबसे प्रमुख है। केजीएफ चैप्टर 1 में जिस तरह से रॉकी का फियरलेस किरदार गढ़ा गया था और उसने जिस अंदाज में गरुड़ा की हत्या की थी, उसके बाद तो लोगों की उम्मीदें केजीएफ 2 में ऐसे विलन देखने की हो गई जो रॉकी से टक्कर ले सके। इसी कोशिश के साथ प्रशांत नील ने संजय दत्त को अधीरा किरदार के लिए चुना और माना जा रहा है कि संजय दत्त की फैंस की उम्मीदों पर खड़े उतर सकते हैं। बॉलीवुड के असली खलनायक माने जा रहे संजय दत्त के फिल्मी करियर को उनका अधीरा किरदार अमर कर देगा। जब केजीएफ चैप्टर 2 देखने के बाद लोगों की जुबान पर रॉकी की जगह अधीरा नाम गूंजेगा, ऐसा कहीं देखने को मिलता है क्या कि किसी फिल्म में विलन के किरदार को लेकर इतनी उत्सुकता दिखाई गई हो? लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 यश यानी रॉकी से ज्यादा संजय दत्त यानी अधीरा के किरदार की वजह से चर्चा में है। आपको बता दें कि संजय दत्त ने अपनी फिल्मी करियर में एक से एक बढ़कर हीरो और विलन के किरदार निभाए हैं। फिल्मों के साथ ही रियल लाइफ के भी खलनायक माने जाने वाले संजय दत्त ने 10 साल के फिल्मी करियर में इतने अलग अलग किरदार निभाए हैं कि शायद ही किसी और एक्टर के इतने अलग अलग फिल्मी रोल पर्दे पर दिखे हो। कभी ड्रग्स और AK-47 की वजह से करियर बर्बाद कर चुके संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री में बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिसे दुनिया सलाम करती है। अच्छी खासी हाइट, मजबूत कद काठी और डरावनी आंखों के साथ ही भारी भरकम आवाज वाले संजय दत्त आने वाले दिनों में भी शमशेर और पृथ्वीराज जैसी मल्टी करोड़ बजट फिल्मों में भी संजय दत्त विलन की भूमिका निभाते दिखेंगे, जिसमें उनका लुक देखने लायक होगा। संजय दत्त की फिल्म तोरबाज अगले महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो आप लोग संजय को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं और आपकी इनकी कौन सी मूवी की ज्यादा प्रतीक्षा है, हमें कमेंट। केजीएफ के बाद अपने प्रोडक्शन हाउस को संभालेंगे यश। फिल्म सालार को लेकर डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया कौन सा खुलासा? केजीएफ के विलन को मिला गोल्डन वीजा। केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील इस समय 7वें आसमान पर है। ब्लॉकबस्टर केजीएफ चैप्टर 1 के बाद प्रशांत ने दक्षिण फिल्म उद्योग में ए लिस्टर निर्देशकों में जगह बनाई है। वर्तमान में प्रसिद्ध निर्देशक अपनी दो मच अवेटेड फिल्मों केजीएफ चैप्टर 2 में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी सहित और सालार में प्रभास और श्रुति हसन के साथ व्यस्त है। प्रशांत द्वारा अभिनीत दो फिल्मों के हर अपडेट के लिए फैंस के बीच काफी उत्सुकता रहती है। यहाँ तक कि फैंस भी दो हाई वोल्टेज एक्शन से भरपूर ऑपस मैग्नम के बीच किसी भी समानता का अनुमान लगा रहे हैं। हाल के अपडेट के अनुसार दोनों फिल्मों में एक ही संगीत निर्देशक है, रवि बसरूर। इस बीच इस साल की दो मच अवेटेड फिल्मों में एक और करीबी समानता है। केजीएफ 1 में श्रीनिधि के चरित्र के साथ साथ इसके सीक्वल केजीएफ 2 के बारे में फैंस अच्छी तरह से जानते हैं। श्रीनिधि केजीएफ चैप्टर 2 में मुख्य महिला की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगी। सभी फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए सालार निर्देशक ने श्रीनिधि को चैप्टर 2 में भी जोड़ने की योजना बनाई है। अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो प्रशांत ने हाल ही में सालार में एक विशेष गीत के लिए केजीएफ अभिनेत्री श्रीनिधि से संपर्क किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। गाने की शूटिंग इसी साल के अंत में की जाएगी। कयासों के मुताबिक श्रीनिधि एक आइटम नंबर में बाकी स्टार प्रभास के साथ थिरकती नजर आएंगी। कन्नड़ स्टार यश की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज के बाद अभिनेता सुर्खियों में छा गए, जिसने उन्हें एक अखिल भारतीय अपील के साथ एक स्टार के रूप में पेश किया। अब यश जल्द ही अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने वाले हैं और उनका अगला एक्टिंग असाइनमेंट उनके होम प्रोडक्शन के लिए होगा। अभिनेता के करीबी सूत्र ने बताया केजीएफ और इसके सीक्वल दोनों यश के करीबी दोस्तों द्वारा निर्मित है। वास्तव में अगली फिल्म जिसे प्रशांत नील प्रभास के साथ निर्देशित कर रहे हैं, वो भी यश के दोस्तों द्वारा निर्मित की जा रही है। इन्हीं दोस्तों ने सुझाव दिया कि केजीएफ के बाद यश अपनी फिल्मों का निर्माण खुद करे। वाह,
दोस्त हो तो ऐसे सपोर्ट करने वाले। यश के प्रोडक्शन हाउस की घोषणा KGF 2 की रिलीज होने से पहले हो सकती है, जो COVID-19 की स्थिति पर निर्भर करता है। यश अपनी अगली रिलीज के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं, भले ही कोविड चीजों को इस हद तक धीमा कर दे कि KGF 2 योजना के अनुसार 2021 की गर्मियों में रिलीज करने में असमर्थ हो। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। KGF चैप्टर 2 का प्रमोशन जोरों पर है। प्रशांत नील ने फिल्म का निर्देशन करने के अलावा कहानी, पटकथा और संवाद भी लिखे हैं। विजय किरण गंडूर अपने बैनर होमबले फिल्म्स के तहत इस परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। KGF की सफलता पर इसके नायक यश ने पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था, KGF की सफलता कन्नड़ उद्योग के लिए बहुत मायने रखती है, खासकर हमारे बहुत से प्रतिभाशाली तकनीशियनों के लिए जिन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार है। इस सफलता से कन्नड़ इंडस्ट्री का मनोबल बढ़ा है। इसने प्रशांत नील की प्रतिभा को सही ठहराया है। उन्होंने कहा, कन्नड़ उद्योग के बारे में धारणा बदल गई है। इंडस्ट्री के लोग अब हमें गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे बहुत से प्रतिभाशाली तकनीशियन एक मंच की तलाश में हैं और KGF ने उन्हें वो स्थान प्रदान किया है। ये सफलता हमारी इंडस्ट्री की सभी अनयूज्ड प्रतिभाओं के लिए बहुत मायने रखती है। कुछ वेबसाइटों ने हाल ही में बताया था कि प्रशांत नील द्वारा निर्देशित अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म सालार शीर्ष निर्देशक की सफल फिल्म उग्रम की रीमेक है। KGF के डायरेक्टर ने अब अफवाहों को खारिज कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि ये पैन इंडिया फिल्म एक ओरिजिनल कहानी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महान कृति का कथानक प्रभास को ध्यान में रख कर लिखा गया है। होमबले फिल्म्स द्वारा समर्थित सालार एक एक्शन फिल्म है जिसमें प्रभास एक नए अवतार में है। इसमें फाइट सीक्वेंस और डायलॉग्स बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। फिल्म में श्रुति हसन मुख्य नायिका के रूप में है और बाहुबली के साथ उनका पहला सहयोग होगा। चर्चा ये है कि बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहिम सालार में विलन की भूमिका निभा सकते हैं, यदि चीजें योजना के अनुसार होती हैं। बागी 2 की अभिनेत्री दिशा पाटनी के फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी चर्चा है। आने वाले महीनों में इन अफवाहों पर स्पष्टता आने की संभावना है। वहीं KGF चैप्टर 2 के विलन अधीरा यानी संजय दत्त KGF के बाद दुबई में घूम रहे हैं। संजय दत्त को संयुक्त अरब एमिरेट्स UAE का गोल्डन वीजा मिल गया है। संजय ने बुधवार को ये खबर सोशल मीडिया के जरिए साझा की। उन्होंने वीजा के लिए वहां के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। वहीं संजय की बेटी त्रिशला दत्त ने भी संजय की तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दी। बताया जा रहा है कि गोल्डन वीजा हासिल करने वाले संजय पहले बॉलीवुड एक्टर हैं। संजय ने दो तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा की। एक में वो अपना पासपोर्ट कैमरे की ओर दिखा रहे हैं। तस्वीर में संजय मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी के साथ, जो दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल है। संजय ने तस्वीरों के साथ लिखा, मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी का मौजूदगी में UAE का गोल्डन वीजा पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इस सम्मान के लिए उनके साथ UAE सरकार का शुक्रगुजार हूँ। साथ ही संजय ने फ्लाई दुबई के CEO हमाद अब्दुल्ला का शुक्रिया भी अदा किया। तो क्या अब यश KGF के बाद अपने प्रोडक्शन की एक्शन फिल्मों में अभिनय करते दिखेंगे? क्या आप तैयार है रॉकी भाई को एक नए अवतार में देखने के लिए? हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी पर आधारित क्या था राजाओं की कमाई का राज? भारत में बिजली का क्या है इतिहास? KGF भारत का बहुत ही पुराना इतिहास है। इस कॉन्सेप्ट पर इसी नाम से कन्नड़ फिल्म भी बनाई जा चुकी है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित ये फिल्म 2018 में दर्शकों के सामने आई थी। इसे खूब पसंद किया गया था और इसने कमाई के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। आइए आज हम इसी वीडियो में आपको असली KGF के बारे में बताते हैं। KGF का मतलब कोलार गोल्ड फील्ड है, जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। एक समय में ये भारत को सबसे ज्यादा सोना देने वाली जगह भी थी। ये वही जगह है जहां पर माइंस करके पूरा गोल्ड को निकाला जाता था। इतिहासकारों के अनुसार यहां से खुदाई करके लगभग 800 टन सोने का उत्पादन किया जा चुका है और ये गोल्ड लगभग 1880 से 2001 के बीच में निकाला गया है। इस खदान के बारे में कहा जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। यहां माइन करके गोल्ड को निकाला जाता था। एक समय ऐसा था जब इसमें लगभग 10,000 लोग काम किया करते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान पड़ी है। कहा यह भी जाता है कि जब बहुत पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तब इसे मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ का मौसम इंग्लैंड से मिलता जुलता था। अभी भी वहाँ ठंड ही रहती है। KGF दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है।
ये 1980 और 1990 के दशकों में इसकी खुदाई धरती की सतह से 3 किलोमीटर गहरी की गई थी। दक्षिण अफ्रीका की कुछ ही खदान ऐसी है जो इससे ज्यादा गहरी है। यहाँ पर गोल्ड के लिए सबसे पहले शताब्दी में खुदाई शुरू की गई थी जो कई दशकों तक चलती रही। ये जगह साउथ इंडियन के राजाओं के आय का मुख्य सोर्स बन चुका था। सबसे ज्यादा आय यहीं से होती थी। 1864 में ब्रिटिश शासन को इस जगह के बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को गोल्ड निकालने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गोल्ड का उत्पादन और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड रॉबसन को दे दी गई, जिसके लिए उन्होंने गोल्ड माइनिंग मशीनें लगा दी। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी, जिसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा बिजली की आपूर्ति पूरी की गई, जिसके बाद भारत दुनिया का पहला देश बन चुका था जो इस तरह का प्लांट यूज करता था। और फिर भारत में भी बिजली का इस्तेमाल होने लगा। क्या आप जानते हैं कि एशिया में जापान के टोक्यो शहर के बाद बिजली इस्तेमाल करने वाला इंडिया दूसरा देश बन चुका था, और अब इस प्लांट को कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बता दें कि इसी कहानी पर प्रशांत नील की 2018 वाली फिल्म थी। ये कन्नड़ सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। वहीं कमाई के मामले में भी ये कन्नड़ की सबसे बड़ी हिट है। अब इस फिल्म का दूसरा भाग रिलीज के लिए तैयार है। गौरतलब है कि अब फिल्म का एक सीक्वल भी रिलीज के लिए तैयार है। प्रशांत नील के द्वारा लिखी और उनके निर्देशन में बनी इस फिल्म में यश और श्रीनिधि शेट्टी मुख्य किरदारों में होंगे, जबकि बॉलीवुड के कई दिग्गज भी इसके दूसरे भाग में जुड़ने वाले हैं। इनमें रवीना टंडन, संजय दत्त और प्रकाश राज जैसे नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि अच्युत कुमार ने फिल्म के पहले भाग में गुरु पांडियन का किरदार निभाया था, जिसे वो कैसे होगी यश की एंट्री फिल्म में? आखिर कौन से मशहूर स्टार्स देखने मिलेंगे हमें इस फिल्म में? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। रॉकिंग स्टार यश अपनी अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियों में है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जो फैंस को काफी पसंद आया था। वहीं अब फैंस फिल्म की रिलीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म के निर्माता अपने टीजर की सफलता का जश्न मना रहे हैं। टीजर को अब तक 140 मिलियन व्यूज से अधिक बार देखा जा चुका है। बता दे, फिल्म के टीजर को यश उर्फ रॉकी भाई के जन्मदिन पर रिलीज किया गया था। हालांकि टीजर का सीन जो फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आया वो यश का एंट्री सीक्वेंस था, जहां वो ऑटोमोबाइल की एक लाइन को उड़ाते हुए आग की लपटों के बीच एंट्री करते हैं। ये दृश्य अमिताभ बच्चन की अग्निपथ की प्रतिष्ठित दृश्य से बहुत मिलता जुलता है। KGF चैप्टर 1 में भी यश एंग्री यंग मैन और माफिया किंग के लुक में नजर आ रहे हैं, जो भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के प्रतिष्ठित किरदार से मेल खाता है। KGF चैप्टर 1 में यश ने रॉकी का किरदार निभाया है, जो कोलार गोल्ड फील्ड्स के गोल्ड माफिया की भूमिका में नजर आए थे, जिसे दर्शकों और आलोचकों से समान रूप से बहुत पसंद किया गया है। और अब अगले सीक्वल में भी यश अपनी पावर और जोश के साथ अपने दुश्मनों का सामना करते हुए दिखाई देंगे। KGF चैप्टर 2 में रॉकिंग स्टार यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, प्रकाश राज, मालविका विनाश, अच्युत कुमार इत्यादि कलाकार नजर आएंगे। ये एक बहुभाषी वेंचर है जिसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। अक्सर एक्टर्स की एंट्री का दर्शकों में अलग ही क्रेज रहता है, और कुछ एंट्रीज तो ऐसी होती है कि वो दर्शकों को खूब पसंद आती है और वो बार बार इसे देखते भी हैं। काफी बार तो अच्छी एंट्रीज के सीन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। फिल्म मेकर्स भी एक अच्छी एंट्री की अहमियत जानते हैं और इस वजह से काफी बार किसी पुरानी हिट फिल्म या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज की फिल्म से प्रेरणा ली जाती है। अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म में यश की एंट्री लोगों को अग्निपथ के अमिताभ की याद दिलाएगी, और ये जानकर सभी दर्शक उत्सुक हो चुके हैं, क्योंकि एक तो अग्निपथ काफी लोगों को बहुत पसंद है और ऊपर से अमिताभ की ओपनिंग सीन के सारे जहां में दीवाने हैं। एक विशाल एंट्री के कई फायदे होते हैं फिल्म को। एक तो इस विशाल एंट्री से लोग हीरो को महत्व देते हैं। दूसरा, कई बार तो लोग बस हीरो की एंट्री से वक्त उसकी पर्सनालिटी की वजह से हीरो का कैरेक्टर पसंद आ जाता है। तो क्या लगता है आपको, क्या अग्निपथ जैसी एंट्री से होगा इस फिल्म को फायदा?
हमें अपनी राय कमेंट्स के सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। कैसा होगा संजय का फिल्म में किरदार, क्या कुछ देखने को मिलेगा KGF चैप्टर 2 में? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। साउथ के सुपरस्टार यश, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर KGF चैप्टर 2 को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। खास बात तो ये है कि KGF चैप्टर 2 का टीजर भी हाल ही में रिलीज हुआ है, जो कि सभी को शानदार लगा और जिसे लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है। टीजर से पहले संजय दत्त ने KGF चैप्टर 2 से जुड़ा अधीरा का अपना एक लुक भी साझा किया था, जिसमें वे हाथों में तलवार पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। संजय दत्त द्वारा शेयर की गई इस झलक पर फैंस के भी खूब कमेंट आ रहे हैं। इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि KGF चैप्टर 2 का वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संजय दत्त ने KGF चैप्टर 2 में अपने किरदार अधीरा के बारे में बात करते हुए कहा, अधीरा मेरे द्वारा निभाया गया अब तक का सबसे क्रेजी किरदार है। ये वाइकिंग से प्रेरित, निडर, शक्तिशाली और निर्मम है। अधीरा बनने के लिए बहुत सारी शारीरिक तैयारी की आवश्यकता थी। लुक अपनाने के लिए मेकअप में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगता था और साथ ही किरदार में ढलने के लिए मानसिक तौर पर भी बहुत सी तैयारी करनी पड़ी थी। इन विशेषताओं के संदर्भ में किरदार को मुझसे बहुत अधिक आवश्यकता थी। एक्शन से भरपूर फिल्म KGF के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने कहा, फिल्म KGF चैप्टर 1 का सीक्वल है, इसलिए वे सब और उससे ज्यादा अधिक उम्मीद कर सकते हैं। फिल्म में यश और मीरा फेस ऑफ है, जो निश्चित रूप से बहुत मजेदार था। बहुत सारे प्रॉप्स का इस्तेमाल किया गया है और सीक्वेंस को खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। फिल्म में एक्शन भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि बिना ज्यादा कुछ कहे ऑडियंस फिल्म में एक्शन का मजा ले। बता दे कि यश और संजय दत्त की KGF 2 का निर्माण विजय किरंगदूर द्वारा किया गया है और प्रशांत नील ने इसे निर्देशित किया है। फिल्म को एक्सल एंटरटेनमेंट, हम्बेल फिल्म्स और AA फिल्म्स के बैनर तले तैयार किया गया है। KGF 2 में संजय दत्त के साथ KGF अभिनेता यश स्क्रीन स्पेस साझा कर रहे हैं। दोनों सुपरस्टार इस बहुप्रतीक्षित और प्रत्याशित फिल्म के लिए पहली बार सहयोग कर रहे हैं। सूत्र ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि संजू बाबा और यश पहली बार एक साथ शूटिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे KGF 2 की शूटिंग आगे बढ़ी, वे एक दूसरे के साथ अधिक सहज हो गए और अक्सर शूटिंग के साथ साथ अपने समय का आनंद लेते हुए कुछ जीवन के अनुभव को साझा करते हुए देखे गए। क्या संजय और यश की ऑन स्क्रीन जोड़ी आएगी दर्शकों को पसंद? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 3 का विलन हो चुका है फाइनल, क्या KGF की तरह ही KGF चैप्टर 2 के लास्ट में दिखेगी विलन की झलक? क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। 2019 में KGF की सक्सेस के बाद अब KGF चैप्टर 2 का रिलीज होना दर्शकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। ऊपर से पिछली फिल्म में दिखी इस अपकमिंग फिल्म की झलक और रिलीज्ड पोस्टर और टीजर ने इस एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सब फिल्म के इंतजार में दिन गिन रहे हैं। इस एक्साइटमेंट का एक रीजन ये भी है कि क्या KGF चैप्टर 2 के बाद भी रॉकी का ये स्वैग हमें फिल्म के तीसरे पार्ट में भी देखने को मिलेगा? क्या KGF चैप्टर 3 बनेगी? तो अगर आप भी इन क्यूरियस जंतुओं में से एक है तो आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आए हैं, जो कि सीधा सीधा आपको KGF चैप्टर 3 की खबर तक ले जाता है। इसे जानने के लिए आप वीडियो आखिर तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। हो सकता है KGF चैप्टर 2 में भी हमें आने वाली फिल्म का विलन दिख जाए जैसा कि पहले दिखा था। जी हाँ, लगता है मेकर्स को सिर्फ यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि के लिए जनता के एक्साइटमेंट
कम लग रही थी, जो अब इस लिस्ट में उन्होंने एक और धमाकेदार नाम जोड़ दिया, वो भी कोई और नहीं बल्कि सुपर विलन प्रकाश राज का। नहीं पहचाना, चीटिंग करता है तू चीटिंग। जी हाँ, सिंघम के विलन प्रकाश राज। ये इंडस्ट्री के ऐसे विलन हैं जो हंसते हंसाते हीरोज के बैंड बजा देते हैं, मासूमों की जान लेते हैं, और इनकी एक्टिंग और ह्यूमर के कारण इससे नफरत भी नहीं होती। फिल्म से इनका जुड़ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्रकाश राज ने ही इस बात की घोषणा की थी कि वो यश स्टारर KGF के सीक्वल में होने वाले हैं। इसके बाद प्रकाश राज ने फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ फिल्म के सेट से अपनी तस्वीर भी शेयर कर डाली। इस तस्वीर पर डायरेक्टर ने कमेंट किया, आपका स्वागत है प्रकाश राज सर, फाइनली हमने KGF चैप्टर 2 की शूटिंग दोबारा शुरू कर ली। आप सभी को इस फिल्म को इतना प्यार दीजिए और फिर से इसे सुपरहिट बनाइए। अब जाहिर है अधीरा के होते हुए फिल्म को किसी और विलन की क्या ज़रूरत, इसीलिए हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी फिल्म में प्रकाश राज को अगली फिल्म की झलक दिखाने के लिए रखा गया है कि जब सुपर रॉकी का सुपर विलन प्रकाश से सामना होगा तो अंजाम कैसा होगा। अब इस अंजाम के बारे में तो हमें नहीं पता, पर एक्साइटमेंट के बारे में तो पता है। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप प्रकाश राज की एंट्री से आप खुश हैं KGF चैप्टर 3 में। नीचे कमेंट सेक्शन में कितना इंतजार हो फिल्म का ये भी बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे दिलचस्प अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास्ट। दोस्तों, यश की KGF चैप्टर 2 कब आ रही है ये बात सभी को खाए जा रही है। इस कहानी में आगे क्या होगा, कैसे करेंगे इसका अंत, या फिर इसका और एक पार्ट आने वाला है, ऐसी न जाने कितने सवाल आपको खाए जा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपके इन सभी सवालों का जवाब देने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आपको KGF चैप्टर 2 के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स बताती हूँ। दोस्तों, इस फिल्म में यश की प्रशंसा तो पहले पार्ट से ही हो रही है, लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम अब ऐड होने वाला है, वो है संजय दत्त का। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में संजय दत्त इसमें विलन की भूमिका करने वाले है। टीजर में इनका गेटअप और इनका खौफनाक अंदाज देख के सभी के होश उड़ गए थे। इसमें वो अधिया की भूमिका करने वाले हैं, जो पहले पार्ट में दिखाए गए विलन सूर्यवर्धन के भाई हैं। इसमें रमेश इंद्र ने सूर्यवर्धन की भूमिका पहले पार्ट में निभाई थी, और इनके लड़के गरुड़ा की भूमिका राम अलियास रामचंद्र राजू ने की थी। आपको बता दूं, राम यश के बॉडीगार्ड थे और इन्हें ये रोल ऑफर कर दिया गया था। दोस्तों, किस्मत हो तो ऐसी, बॉडीगार्ड से सीधा KGF जैसे बड़े पिक्चर में विलन का रोल, क्या बात है। टीजर में रवीना टंडन को भी दिखाया गया है, वो एक पॉलिटिशियन की भूमिका कर रही है। KGF 2 ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी फिल्म है, जिसका बजट 100 करोड़ बताया जा रहा है। इसमें फीमेल लीड कर रही है श्रीनिधि शेट्टी। दोस्तों, इसका कंपैरिजन अक्सर बाहुबली के साथ किया जाता है, क्योंकि दोनों ही स्टोरीज ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। इनमें उन घसीपिटी मूवीज से कुछ हटकर और अलग हमें दिखाया गया था, और KGF के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक की उतनी ही तारीफ की जाती है जितनी उसके VFX की करते हैं। इसके डायरेक्टर प्रशांत नील थे, जिन्होंने इसे बड़े पर्दे पर लाने की सोच रखी थी, मान गए इनको। वो घिसी पिटी लव स्टोरीज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब कोई अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं, वही लोग इतिहास रचते हैं दोस्तों, जैसे कि इस फिल्म ने रचा। क्या बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक किए इस फिल्म ने और कन्नड़ इंडस्ट्री का नाम ऊंचा कर दिया। इस फिल्म में पॉलिटिक्स, गैंगस्टर, गरीबी, माँ का प्यार, ऐसे विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। इसका हर एक सीन सीधा दिल पे लगता है। दोस्तों, अब KGF चैप्टर 2 हमें 16 जुलाई 2021 को देखने को मिलने वाला है। आप इस मूवी के बारे में कितने एक्साइटेड हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, बेल आइकन है वाइकिंग्स। संजय को अधीरा बनने में कितना समय लगता था, क्या अधीरा बन पाएगा आज का वाइकिंग? साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 इसी साल रिलीज होगी, उससे पहले
कल यानी 8 जनवरी को फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसका फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार था। केजीएफ चैप्टर 2 में यश के साथ बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त और रवीना टंडन भी नजर आएंगे। फिल्म रिलीज होने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। उससे पहले यश ने अपने फैंस के साथ उनके किरदार को लेकर कुछ दिलचस्प बातें शेयर की है। यश ने कहा, फिल्म के लिए टीम ने वास्तव में कड़ी मेहनत की है और चैप्टर 1 ने जो सफलता हासिल की है वो हर तरह से बहुत बड़ी है। हमने सिर्फ कड़ी मेहनत की है, केजीएफ 2 को एक साथ रखकर इसे ज्यादा बड़े पैमाने पर बनाया गया है। चैप्टर 1 की सफलता ने हमें बेहतर करने के लिए मोटिवेट किया है और हम अपने फैंस को खुश करने और उनका मनोरंजन करने की उम्मीद करते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 में अपनी भूमिका पर यश ने कहा, चैप्टर 1 रॉकी उनके व्यक्तित्व और उनकी दुनिया का परिचय था। केजीएफ 2 में आपको रॉकी के कुछ अलग शेड्स दिखाई देंगे जो आपने पहले नहीं देखे हैं। ये एक बड़ा एक्शन पैक और इमोशनल राइड होगा। आपको बता दें कि केजीएफ 2 का निर्माण विजय किरण गंडूर ने किया है और फिल्म प्रशांत नील द्वारा निर्देशित है। अगर केजीएफ 2 के मोस्ट अवेटेड किरदार की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद संजय दत्त हैं। लोग अब की बार फिल्म में यश को नहीं बल्कि संजय को देखने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि अधीरा बनने के लिए संजय दत्त ने बहुत मेहनत की है, जो कि उनके पोस्टर में दिख ही रहा है। संजय ने बताया, अधीरा मेरे द्वारा निभाया गया अब तक का सबसे क्रेजी किरदार है। ये वाइकिंग से प्रेरित, निडर, शक्तिशाली और निर्मम है। अधीरा बनने के लिए बहुत सारी शारीरिक तैयारी की आवश्यकता थी। लुक अपनाने के लिए मेकअप में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगता था और साथ ही किरदार में ढलने के लिए मानसिक तौर पर भी बहुत सी तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये वाइकिंग होते कौन है जिनसे संजय के अधीरा लुक और किरदार को लिया गया है। बता दें कि वाइकिंग एक ऐसा समुदाय को कहा जाता था जिससे आने की खबर सुनकर लोग कांप उठते थे। वो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने हमेशा लूटमार किया करते थे। उनकी इतिहास में एक डाकू के रूप में जाना जाता था। वाइकिंग 8वीं से लेकर 11वीं सदी ईस्वी में सुदूर उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहने वाले उन नॉर्स लोगों को कहा जाता था जो सिपाही, व्यापारी, समुद्री डाकू या खोज यात्री बनकर यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक द्वीपों में जाते थे और अक्सर बस जाते थे। इनसे लोग काफी ज्यादा डरते थे उस जमाने में। वाइकिंग बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। जंगली लोगों की तरह उनका लुक हुआ करता था, जिसे आम इंसानों ने तो यानी कि उस शताब्दी के लोगों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन एक हिसाब से वाइकिंग लोग उस समय पीरियड वालों के लिए किसी भूत से कम नहीं माने जाते थे। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी हॉलीवुड में कई मूवी बन गई है शक्ति के आधार पर। थॉर, लोकी इन्हीं वाइकिंग में आते हैं। तो हम सब लकी हैं कि हमने वाइकिंग्स देखे हैं, जिन्हें वाइकिंग वॉरियर कहा जाता है। अब एक ऐसा ही और वाइकिंग हमें फिल्म केजीएफ 2 में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि कौन सा वाइकिंग डर, खौफ के नए रिकॉर्ड बनाता है। आपको क्या लगता है, कौन होगा ज्यादा खतरनाक? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आज तक हमें कई अंडरवर्ल्ड के भाई मिले, लेकिन इन सब में से अलग थे रॉकी भाई। हमारी केजीएफ के रॉकी भाई ने एक अलग नशा चढ़ा दिया था। इस फिल्म ने यश के फिल्मी करियर में 4 चांद लगा दिए थे। अब रॉकी भाई सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं। इनके इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म के बारे में मजेदार चीजें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। फिर से रॉकी भाई को सलाम करने का वक्त जल्द ही आने वाला है। दोस्तों, इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों आइए आज जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्होंने इसे ब्लॉकबस्टर बनाया है। इस फिल्म का जो लास्ट शॉट था उसमें 1000 लोगों को एक शूट में लिया गया था। दोस्तों, ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी और ऐसा करने वाली ये पहली कन्नड़ मूवी थी। इस फिल्म के हिंदी राइट 70 करोड़ के लिए बेचे गए थे। दोस्तों, लेकिन जितनी बड़ी फिल्म उतनी ही कठिन चुनौतियां आती है। इस फिल्म का सेट 2 बार बारिश की वजह से गिर गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने उसका डटकर सामना किया और इसी कारण इस फिल्म ने उन्हें बड़ा नाम दिया। 70 से 80 करोड़ के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने उन्हें दुगने से ज्यादा प्रॉफिट दिया और उन्हें प्रसिद्धि मिली वो अलग।
दोस्तों इन्होंने और एक रिस्की कदम उठाया था और वो था इसे 2-5 में बनाने का। रिस्क ये थी कि स्टोरी को इतनी दिलचस्प तरीके से दिखाना, क्योंकि अगर पहला ही पार्ट फ्लॉप हो जाता तो आगे कोई नहीं देखता। लेकिन इसके विरुद्ध इसके पहले पार्ट ने ही लोगों के दिल को इतना लुभा दिया कि आगे क्या होगा इसकी उत्सुकता सभी को खाए जा रही है। इसके कुछ सीन्स रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित है। दोस्तों इसका स्क्रीन प्ले और सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है, इसलिए क्योंकि इसे हॉलीवुड के स्पेशल कैमरास पे शूट किया गया है। इस फिल्म के सेकंड हाफ में जो डस्टी लुक दिखाया गया था उसके लिए उन्हें साइनाइड में कचरे के ढेर के वहां शूट करना पड़ा था। ये बहुत हानिकारक होता है क्योंकि इससे कैंसर भी हो सकता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद स्टार कास्ट ने इस फिल्म को शूट किया। वाकई दोस्तों क्या जान की बाजी लगाई है, जज्बा हो तो ऐसा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या मजेदार पहलू लेकर आता है, इसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको इस पार्ट के बारे में क्या लगता है दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो में। कौन है सैंडलवुड सुपरस्टार यश, कैसे हुई उनके करियर की शुरुआत, एक बस ड्राइवर के बेटे कैसे बने लाखों दिलों की जान और एक्टिंग के अलावा क्या पसंद है उन्हें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीक्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। KGF चैप्टर 1 के रॉकी भाई उफ रॉकिंग स्टार यश आज भारत के चहीते स्टार्स में शामिल है, जिन्हें साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर कोई पसंद करता है और हर कोई उन्हें फिल्म के नाम से ही जानने लगा। यश जल्द ही कन्नड़ की इस सुपरहिट फिल्म के दूसरे चैप्टर में नजर आने वाले हैं। तो आइए आज हम आपको उनके बारे में कुछ अनकही बातें बताते हैं। 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक में जन्मे यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। उनके पिता अरुण कुमार एक बस ड्राइवर का काम करते थे। यश हमेशा से ही एक सुपरस्टार बनना चाहते थे, इसीलिए अपना घर छोड़ वो बैंगलोर आ गए, जहां उन्होंने एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में काम किया और एक्टिंग की बारीकियों को समझा। आपको बता दें कि इस समय यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, जिसे सैंडलवुड भी कहा जाता है, के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। वो अकेले ऐसे कन्नड़ स्टार हैं जिनके नाम 200 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और वह KGF ही है। राजनीति में भी वो काफी एक्टिव है और उन्होंने BJP के लिए 2018 के इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग भी किया था। यश एक बार फिर दर्शकों पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि ये फिल्म पहले साल 2020 में ही रिलीज होनी थी, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। अब अगर सब कुछ सही रहा तो फिल्म 16 जुलाई 2021 को रिलीज होगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगी या नहीं, और क्या ये कोई नया रिकॉर्ड बना पाएगी। खैर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पॉलीक्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है ऋचा गर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आखिर KGF और बाहुबली बॉलीवुड में इतनी ज्यादा हिट फिल्म फ्रेंचाइज कैसे बन गई, साउथ इंडस्ट्री में भी ये दोनों फिल्म कैसे स्टैंड आउट करती हैं। मेजरली हम सब इंडियन सिनेमा की बात करते हैं तो सबके ख्याल में सिर्फ बॉलीवुड ही आया करता है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने रीजनल सिनेमा और खासकर साउथ इंडियन सिनेमा से इतनी कमाल की फिल्म्स देखने को मिली हैं कि अब बॉलीवुड का रंग कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। 90s और 2000s में जहां बॉलीवुड प्योरली डोमिनेट कर रहा था, उस समय साउथ इंडियन सिनेमा को ग्रेविटी डिफाइनिंग एक्शन और टू मच ड्रामेटिक स्टोरी के लिए मॉक किया जाता था। लेकिन कट टू प्रेजेंट टाइम्स, टेबल हैव टर्न्ड, अब हमें साउथ से स्टोरी एज वेल एज एक्शन वर्ल्ड क्लास लेवल का दिख रहा है। तो वहीं बॉलीवुड इन्हीं स्टोरी को रीमेक करके क्विक प्रॉफिट बटोरने में लगा हुआ है। तो आखिर दोस्तों किन दो फिल्म्स ने बॉलीवुड और हिंदी बेल्ट में साउथ इंडस्ट्री का सिक्का पूरी तरह जमाने में मदद की, इसके बारे में बताते हैं आपको बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले आप बॉलीग्राड स्टूडियोज को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी अपने होस्ट यानी कि मेरे साथ और मेरा नाम है अनुष्का त्यागी के साथ जुड़ जाइए। साउथ इंडस्ट्री की दो पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स जिन्होंने न केवल हिंदी बेल्ट में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड भी साउथ इंडियन सिनेमा का परचम लहराया है, वो रही हैं बाहुबली और KGF। दोनों फिल्म्स ने बावजूद लिमिटेड रिसर्च और
दोनों फिल्म्स ने बावजूद लिमिटेड रीच और रिसोर्सेज के पूरी दुनिया में अपने काम की एक अलग ही पहचान छोड़ दी है और खासकर हिंदी ऑडियंस में अपने लिए क्रेजी फैंडम भी तैयार कर लिया है। न केवल फिल्म्स बल्कि इनमें लीड करने वाले सुपरस्टार्स भी हिंदी बेल्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और धीरे धीरे बॉलीवुड स्टार्स का फैंडम इस तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्यों सिर्फ ये दोनों मूवी ही बॉलीवुड में मैसिव सक्सेस पा पाई जबकि साउथ की कई फिल्म्स आए दिन यहाँ रिलीज होती रहती हैं? अब दोस्तों इसका जवाब हम कई सारे फैक्टर्स को इलैबोरेट करके देना चाहेंगे। सबसे पहले तो फिल्म की माइंड ब्लोइंग स्टोरी ही रही। इस मामले में तो साउथ पहले से ही डोमिनेट करता आया है लेकिन इन KGF और बाहुबली की स्टोरीज काफी डिटेल लेड एज वेल एज इंस्पिरेशनल रही। दोनों फिल्म मेकर्स ने एक लार्जर देन लाइफ सागा को रिप्रेजेंट करने की ठानी जो कि इंडियन फिल्म्स में एक गेम चेंजर बनने का मत दे रखे। लेकिन सिर्फ ग्रेट स्टोरी होने से काम नहीं चलता, इन्होंने एप्ट कास्टिंग और फ्रेंचाइज फार्मूला अपना के तो जैसे कमाल ही कर दिया। फिल्म के क्रूशियल एस्पेक्ट्स को दूसरे पार्ट के लिए वेल प्लान तरीके से डिले करना इन फिल्म्स के लिए लाजवाब काम कर गया और इन्वॉल्व एक्टर्स ने भी फिल्म्स में अपना 200% देके हर एक सीन के साथ फुली जस्टिफाई भी किया है। ये फिल्म्स ऑडियंस के लिए एक विजुअल डिलाइट रही जिसमें एक्शन इमोशन ड्रामा के परफेक्ट ब्लैंड के साथ ही कुछ अमेजिंग विजुअल्स देखने को मिले। इन फिल्म्स में ही VFX और स्पेशल इफेक्ट्स में इंडियन मूवीज का स्टैंडर्ड और भी हाई करने का काम किया। एंड लास्टली इन फिल्म्स में स्टार पावर से ज्यादा स्टोरी लाइन पे ज्यादा ध्यान दिया गया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग में। वैसे तो पहले भी साउथ सुपरस्टार्स जैसे रजनीकांत और कमल हसन बॉलीवुड ऑडियंस को अपनी फिल्म्स के थ्रू प्लीज करने के अटेम्प्ट्स करते रहे हैं लेकिन कोई भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितने प्रभास और यश हुए। सो बॉटम लाइन यही है कि फर्स्ट फोकस ऑन गुड स्टोरी, स्टारडम विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। एंड दोस्तों ऑन द टॉप ऑफ दैट इन दोनों फिल्म्स ने इनोवेटिव प्रमोशनल स्ट्रेटजीज अपना के अपना प्रोडक्ट को हर एक कोने में बखूबी पहुंचाने का फाइनल काम भी अच्छे से किया। और दोस्तों इन्हीं सब फैक्टर्स से KGF और बाहुबली फिल्म्स साउथ सिनेमा एज वेल एज बॉलीवुड में भी स्टैंड आउट करती हैं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना मत। टीम ने KGF VFX डिपार्टमेंट को संभाला था और KGF 2 के टीजर ने लेटेस्ट कौन सा नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सिनेमा के किसी भी एस्पेक्ट में पीछे नहीं है और इसका प्रमाण हमें पिछले कुछ एक सालों में देखने को मिल ही गया है। स्टोरी से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक हमारी फिल्म्स वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करते हुए दिख रही है और इवन CGI और VFX जो कि हमारा कमजोर एस्पेक्ट माना जाता था इसमें भी हमने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। फॉर इंस्टेंस बाहुबली, क्रश 3 या फिर KGF को ही ले लो, इन फिल्म्स ने ये प्रूव कर दिया है कि बॉस हम किसी से कम नहीं। इसी की तर्ज पे आज हम बात करने जा रहे हैं ऑसम मूवी KGF के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जिसकी जरूरत तो काफी मिनिमल रही बट फिल्म को एक ओवर द टॉप एक्सपीरियंस बनाने में इसका भी काफी बड़ा हाथ है। हम बात कर रहे हैं CGI और स्पेशल इफेक्ट्स की। तो बने रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। वैसे तो KGF ने फिल्म को मोस्ट रियलिस्टिक रखने के लिए मैक्सिमम रियल शूट लोकेशंस को ही तवज्जो दी है, बड़े बड़े सेट्स खुद बनाए और एस्थेटिक के नाम पे कुछ नेचुरल कलर्स को प्रेफर किया। पर सिर्फ एक ग्लिम्स के लिए तो विशाल के सेट्स बनाना समझदारी ना होगी। टीम ने इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया एंड हेंस कुछ एक इंस्टेंस पे कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स रेस्क्यू में लाए गए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर एक क्रूशियल पार्ट रहा और इसी को ध्यान में रखते हुए VFX सुपरवाइजर ने मल्टीपल ग्रीन स्क्रीन्स को रिक्वायर्ड लोकेशंस में सेट किया। KGF में VFX इतना सरियल रहा कि एट टाइम्स ये इनविजिबल भी नहीं लगा और खासकर तब जब आपको मेजरली रियल लोकेशन में शूट हुए शॉट्स को लेवल के VFX से मैच करना है। स्पेशल इफेक्ट्स को मास्टर करने का जिम्मा सौंपा गया था बेंगलुरु बेस्ड VFX कंपनी यूनिफाई मीडिया को जिसके हेड हैं उदय रवि हेगड़े। इन्होंने और इनकी टीम ने फिल्म में इवन डस्ट ग्रेन्स के मिनट पार्टिकल्स को भी अपनी रियलिस्टिक VFX से शो किया और इनकी मेहनत रंग भी लाई जहां KGF को 2019 में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
जिस एज में सभी बड़े फिल्म मेकर्स स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मुंबई बेस्ट सीजीआई जायंट्स का रुख करते हैं, वहीं प्रशांत नील ने अपने ही एरिया के बेंगलुरु बेस्ड वीएफएक्स टीम पे विश्वास जताया और इन रिटर्न इन्होंने केजीएफ में अपना बेस्ट देके प्रशांत के इस ट्रस्ट को सही ठहराया। उदय और उनकी टीम केजीएफ चैप्टर 2 के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर चुकी है, जिसका रिजल्ट हमें बड़े पर्दे पे बखूबी देखने मिल जाएगा। केजीएफ 2 के रिलीज टाइम में फिलहाल तो काफी डीले होने की संभावना लग रही है और निश्चित ही जब ये फिल्म बड़े पर्दे पे आगे तो बने बनाए रिकॉर्ड को तार तार करके रख देगी। फिल्म के टीजर को रिलीज हुए 3 महीने तो हो ही गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। टीजर ने व्यूज और लाइक्स के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ही रखा है, पर अब इसने मोस्ट कमेंटेड टीजर कैटेगरी में भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस शॉर्ट वीडियो पर 1 मिलियन से भी ज्यादा कमेंट्स रिसीव हुए हैं, जिनमें से आधे तो प्रोबेबली इसकी एक्साइटमेंट और हाइप के अराउंड ही सब्जेक्टेड होंगे। जब टीजर ही इतना गर्दा मचा सकता है तो सोचिए ट्रेलर और पिक्चर दोनों ही अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, आप कर दीजिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ताकि हम करते रहें अगली वीडियो में मिलने की तैयारी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और हम फिर हाजिर होंगे एक नए और बेहतरीन फिल्म के। हैदराबाद के कौन से महल में हुई केजीएफ 2 के गाने की शूटिंग, किस नए चेहरे का नाम जुड़ा है इस अपकमिंग फिल्म से, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ 2 के शूटिंग लोकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ फिलहाल शूटिंग भारत की उस जगह पर चल रही है जो अपनी आन बान और शान के लिए जानी जाती है, खास तौर पर उस जगह की बिरयानी बहुत फेमस है। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की, जहाँ फिलहाल केजीएफ 2 की शूटिंग चल रही है। बाहुबली के बाद अगर दर्शक किसी पिक्चर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं तो वो है केजीएफ 2। जी हाँ, इसकी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए केजीएफ 2 से जुड़ी तमाम खबरों पर उनकी पैनी नजर होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल के दिनों में केजीएफ 2 से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें काफी वायरल चल रही है, जिसमें कन्नड़ के सुपरस्टार यश, जो कि केजीएफ 2 में नजर आने वाले हैं, वो शूट करते हुए दिखे। जी हाँ, हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में इसकी शूटिंग चल रही है। ताज पैलेस में कुछ सीन समेत एक गाने की भी शूटिंग हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है और पिक्चर्स में भी हमें साफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं, 2020 में लगातार 3 दिन इस गाने की शूटिंग चली थी और ऐसी भी खबरें आ रही है कि इस गाने में नौरा फतेही नजर आ सकती हैं। दोस्तों पिक्चर में हमें शायद इस पैलेस को रॉकी के महल के तौर पर दिखाया जा सकता है, क्योंकि केजीएफ 2 में इस बार रॉकी का कैरेक्टर एक अमीर कैरेक्टर होने वाला है। अब इस गाने की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केजीएफ 2 का ये गाना एक आइटम नंबर होने वाला है, जिसमें नौरा फतेही ठुमके लगाते हुए नजर आएंगी केजीएफ के लीडिंग फेस यानी यश के साथ। केजीएफ के चैप्टर 1 में आइटम नंबर जो था उसको परफॉर्म किया था मौनी रॉय ने, वेल केजीएफ 2 से उनका पत्ता साफ कर दिया है नौरा फतेही ने। आज के डेट में अगर फिल्म इंडस्ट्री के पास कोई सबसे बेहतरीन डांसर है तो वो है नौरा फतेही, और इसी वजह से उन्हें केजीएफ 2 जैसी बड़ी फिल्म में हायर भी किया गया। दोस्तों वो इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड भी नजर आ रही है। केजीएफ 2 से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस आइटम नंबर के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें। किस बारे में है संजय दत्त का कैरेक्टर, अधीरा के किरदार को कितनी शक्तियां मिलेंगी, क्या गब्बर की पदवी अधीरा छीनने को तैयार है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। संजय दत्त इज इक्वल टू 60 साल का मैन चाइल्ड, बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड और तमाम तरह के नाम। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई थी केजीएफ, इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स।
कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, जिसकी ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार थी। फिर हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सारे अचीवमेंट्स कहानी के बस एक ही टुकड़े को मिले हैं। आधी कहानी तो अभी आनी बाकी है। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम है केजीएफ चैप्टर 2। अब बात आती है इस सब से संजय दत्त के कनेक्शन की। लेकिन बात आती है जब केजीएफ में अधीरा था ही नहीं तो ये कहां से जन्मा। बता दें कि केजीएफ 2 में बाबा मेन विलन का किरदार निभाएंगे। उनके कैरेक्टर का नाम होगा अधीरा। दत्त इससे पहले अग्निपथ में कांचा चीना जैसा विभत्स किरदार निभा चुके हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में बात करते हुए संजय ने एक मीडिया इंटरेक्शन में बताया कि उनका ये किरदार एवेंजर्स एंड गेम के सुपर विलन थैनोस की तर्ज पर होगा। थैनोस को तो जानते ही है ना आप। अब आप सोच रहे होंगे कि कल ही वीडियो में हमने आपको कहा था कि ये वाइकिंग्स जैसा किरदार है, और अब हम थैनोस को कहां से बीच में ले आए। तो बता दें कि थैनोस भी उन्हीं वाइकिंग्स का हिस्सा है। इस पूरी बात की एक बात ये है कि हॉलीवुड के जितने सुपर हीरोज और विलन्स में आज तक आपने ताकत देखी है ना, वो सब एक अकेले अधीरा में ही नजर आने वाली है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अधीरा कितना ताकतवर होने वाला है। जब फिल्म के मेन विलन का टीजर पोस्टर रिलीज किया गया था उसमें शेर की अंगूठी पहने सिर्फ दत्त का हाथ नजर आ रहा था। लेकिन उनके बर्थडे पर जो लुक रिवील किया गया उसके साथ बहुत कुछ छुपा कर भी रखा गया है। जैसे इस पोस्टर में संजय के किरदार अधीरा का पूरा चेहरा नहीं नजर आ रहा। इस पोस्टर में उस कैरेक्टर ने पगड़ी पहनी हुई है जिसके बचे हुए कपड़े से उसने अपना चेहरा ढका हुआ है। हालांकि फिर भी उसके चेहरे पर कई सारे टैटूज नजर आ रहे हैं। ये इतना डरावना है कि अब तो लगता है जो काम पहले गब्बर का था अब अधीरा करता नजर आएगा। हमारा कहने का मतलब है कि बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा की पदवी अब अधीरा को दे दी जाएगी। अब सबकी माँ कहा करेंगे कि बेटा सो जा अधीरा आ जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे इतने होशियार हैं कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें ये सब देखना काफी पसंद है। यही कारण है अधीरा के रोल को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि हर वर्ग के लोगों को ये पसंद आए। आपको क्या लगता है, क्या आजकल के बच्चे अधीरा से डरेंगे या अधीरा के कैरेक्टर को एंजॉय करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की सन्स इतने रियलिस्टिक कैसे लगते हैं? केजीएफ में एक्शन डायरेक्टर कौन थे और इन्होंने एक्शन में कॉमेडी एलिमेंट कैसे ब्लेंड किया? केजीएफ जैसी ही रियलिस्टिक साउथ बेस्ड एक्शन फिल्म्स रिकमेंडेशन क्या है? एक दशक पहले तक साउथ इंडियन सिनेमा का एक्शन को काफी मॉक किया जाता था। इनके ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट्स और अनरियलिस्टिकली कोरियोग्राफ्ड स्टंट्स ऑडियंस को थ्रिल देने के बजाय कई बार गुदगुदा के चले जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री ने इस एस्पेक्ट में फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। अब ये एक्शन को वेल कोरियोग्राफ और स्टंट्स को क्रिएटिव येट बिलीवेबल बनाने में काफी टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं, जिसका असर केजीएफ जैसी हाई ऑन एक्शन फिल्म्स में देखने को मिल ही जाता है। केजीएफ का स्पेशल एक्शन हॉलीवुड फिल्म से मैच करता है, जहां इसके एक्शन को काफी रॉ अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया है। तो आप जानते हैं इस एक्शन में इस रियलिज्म ब्लेंड करने वाले माइस्ट्रो का नाम, और साथ ही पता करते हैं कैसे इन एक्शन डायरेक्टर ने रियलिस्टिक एक्शन अप्रोच फॉलो की। बने रहिए अपनी एंकर हस्ती के साथ, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। केजीएफ का एक्शन लिटरली चिल्स क्रिएट कर पाने में कामयाब हुआ था, जिसे डिजाइन किया था एक्शन मास्टर विक्रम मोर ने। फिल्म के एक्शन की ऑसमनेस अगर शब्दों में सही से फिट ना हो तो इसे इसके बेस्ट एक्शन के लिए जो इन्हें 2019 में नेशनल अवार्ड मिला है वो जरूर सारी कहानी बयां कर जाती है। केजीएफ के एक्शन को मोस्ट रियलिस्टिक एंड एट द सेम टाइम थ्रिलिंग बनाने के लिए इनकी और डायरेक्टर प्रशांत की एक सिंपल अप्रोच रही कि फाइट सीक्वेंस में कोई रिदम नहीं होगी। इन्होंने फाइट्स में स्मूथ मूवमेंट्स को ब्रेक करने की सोची, जहां ट्रॉली और जिमी मूवमेंट्स में भी इन्होंने फाइट में स्मूथ फॉलिंग को दरकिनार किया। सिंपली इन्होंने रियल लाइफ की रॉ फाइट जिसमें मार खाने वाला कहीं भी रैंडमली गिरता है, ऐसा ही कुछ रील में भी इम्प्लीमेंट किया,
इन्होंने हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीक्वेंसेस में काफी हद तक रियलिज्म और रॉनेस अचीव की। ऑन टॉप ऑफ इट विक्रम ने एक्शन जैसे स्टिफ वर्क में भी कॉमेडी के एलिमेंट्स परफेक्टली बेंड करने की सोची। इन्होंने मेन कैरेक्टर रॉकी के मैनरिज्म और बिहेवियर पे फुली फोकस किया और इसी के न्यूएंसेस को कई सारे सीन्स में सटल ह्यूमर क्रिएट करने के लिए काम में लाया। फॉर इंस्टेंस पब वाले हाई ऑन एक्शन सीन में भी साइडलाइन प्रॉपर्टीज जैसे चेयर्स, टेबल्स, मीटबॉल्स, प्लेट्स और फॉक्स को सीन में काफी फनली इनकॉर्पोरेट किया गया था। विक्रम मौर और प्रशांत की इसी जुगलबंदी ने केजीएफ के एक्शन को ओवर द टॉप बनाने में काफी हेल्प की। तो वही केजीएफ 2 में भी इस ड्यूओ के मैजिक रिक्रिएट करने की काफी ज्यादा उम्मीद है। As said earlier, not only KGF but whole South industry ही action के मामले में phenomenal growth कर चुकी है। और अगर आप action lover है तो definitely इन recommendation से आपको एक great watch list मिल जाएगी। High octane action list में पहली ही फिल्म प्रशांत नील की debut फिल्म उग्रम है, जिसका high voltage action drama जरूर आपको amaze कर देगा। फिर बारी आती है 2018 की फिल्म विक्रम वेदा की, जो कि न्यू एयरफ्लिक है और इसका हार्ड हिटिंग एक्शन अलोंग विद माइंड ब्लोइंग स्टोरी एंड परफॉर्मेंस आपको थ्रू आउट सीट की एज पे बनाए रखेगा। एंड फाइनली एक्शन गैंगस्टर ड्रामा वड़ा चेन्नई, जिसका मल्टी लेयर्ड स्क्रीन प्ले और रियलिस्टिक एक्शन आपको फुल्ली एंटरटेन कर देगा। बट प्लीज डोंट वॉच इट्स डब वर्जन, ऑप्ट फॉर सबटाइटल वर्जन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद दोस्तों, एक फिल्म में जितना ध्यान लोगों का उसकी स्टार कास्ट, उसकी कहानी और उसके डायलॉग्स पर होता है, उतना ही उनके गानों पे भी होता है। कुछ कुछ फिल्में तो ऐसी होती है कि भले ही उनकी कहानी टाइम पास हो, पर उनके गाने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर जाते हैं। और जो फिल्में हमें मजेदार कहानी के साथ साथ दिल को छूने वाले गाने भी देते हैं, वही फिल्में सभी को याद रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साउथ की इंडस्ट्री उसके एक्शन और अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती है। उनकी फिल्मों में अलग ही बात होती है और इसी साउथ इंडस्ट्री में दो फिल्में ऐसी आई जिन्होंने भारतीय फिल्मों का नक्शा ही बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बाहुबली और KGF इन फिल्मों के बारे में। इसके डायरेक्टर थे SS राजामौली और प्रशांत नील। इन दो डायरेक्टर्स ने ये फिल्म बनाकर इतिहास रच दिया है। इन फिल्मों ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर दिया था। न जाने कितने रिकॉर्ड्स इन फिल्मों ने तोड़े हैं। हर एक के फेवरेट्स लिस्ट में आपको ये फिल्म निसंदेह मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन इन फिल्मों के सुपरहिट होने के पीछे इनके गानों का भी हाथ उतना ही है। दोस्तों, KGF ये मूवी बाहुबली की तरह ही सुपर हिट हुई थी। इसके गाने क्या लाजवाब थे। इस पे गाना माँ पर भी बनाया गया था, वो आज भी लोगों की रिंगटोन्स में आपको सुनाई देगा। क्या कमाल म्यूजिक बनाया था इसका। ऐसा म्यूजिक था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा म्यूजिक जो लोगों के दिलों को छू जाता है। इस फिल्म में दमदार म्यूजिक था, इमोशनल करने वाला म्यूजिक भी था और इसी के साथ साथ आइटम सॉन्ग्स भी उतने ही फेमस थे इसके। आपको बता दूं, इस फिल्म को कई लैंग्वेजेस में डब किया गया था और इसी वजह से उन्हें ये सब गाने भी उस लैंग्वेजेस में करने पड़े थे। दोस्तों, मेहनत देख रहे हैं उनकी। यूं ही इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े हैं। इसमें से कुछ गाने जैसे कि सलाम रॉकी भाई, जो यश के एंट्री पर किया गया था, वो लोगों को काफी पसंद आया था। इसके दमदार बीट्स आज भी लोगों को उतने ही पसंद आते हैं जितने ये गाने आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ये गाना गाया था मोहन कृष्ण और संतोष वेंकी ने और इसका कोरस विजय प्रकाश ने दिया है। इस फिल्म में जो आइटम नंबर था वो नेहा कक्कर ने गाया था। जी हाँ दोस्तों, ये गाना एक क्लब आइटम सॉन्ग था। दोस्तों, अब इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही आ रहा है। अब ये हमें कौन से नए गाने देंगे, इसमें आइटम नंबर होगा या नहीं, या फिर इसमें कौन से नए राज खुलने वाले हैं, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आप इस मूवी और इसके गानों के लिए कितने एक्साइटेड हो, ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक। हमें आखिर कैसे करेंगे यश 3000 लोगों की मदद। बॉलीग्राड स्टूडियो से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। फिल्म KGF के रॉकी हाई यानी सुपरस्टार यश आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके अभिनय और स्टाइल पर करोड़ों फैंस फिदा हैं। इसके अलावा यश अपनी दरिया दिल्ली के लिए भी जाने जाते हैं।
यश अपने फैंस का खास ख्याल रखते हैं और सिर्फ फैंस का ही नहीं अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों का भी काफी सम्मान करते हैं। अब खबर आ रही है कि यश ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कर्मियों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण फिल्म इंडस्ट्री के काम बंद है। ऐसे में वहाँ काम करने वाले डेली वर्कर्स को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सुपरस्टार यश ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के 3,000 से अधिक कर्मियों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए मदद कैसे पहुंचेगी इस बारे में बताया है। यश ने अपने ट्विटर पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, कोविड-19 एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिसने देश के कई लोगों की आजीविका छीन ली। मेरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री कोविड के दौरान बुरे वक्त से गुजर रही है। ऐसे वक्त में मैंने ये तय किया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 21 डिपार्टमेंट के 3,000 से अधिक कर्मियों को अपने कमाए हुए रुपए में से 5,000 रुपए उनके खाते में सीधा भेजूंगा। मैं जानता हूं कि ये नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा जो आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त में झेला है, मगर ये एक आशा की किरण है। आशा इस बात की कि हम जल्द ही बेहतर वक्त देख पाएंगे। वर्क फ्रंट की बात करें तो यश जल्द ही फिल्म KGF चैप्टर 2 में नजर आएंगे। इस फिल्म का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने इस बात की घोषणा की है कि फिल्म 16 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त मुख्य विलन अधीरा के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज की जाएगी। यश की दमदार एक्टिंग से उन्होंने KGF के लिए खूब बड़ाई बतोड़ी है और अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड फैंस को भी अपना दीवाना बना दिया है। इस फिल्म के बाद वह एक साउथ एक्टर नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन जाएंगे। क्या आपको लगता है कि चैप्टर 2 में भी यश की एक्टिंग उतनी ही दमदार होगी? कमेंट कर हमें राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। किस फिल्म से प्रेरित थी प्रशांत की KGF? एक कहानी को फिल्म बनाने में किन पर्दे के पीछे के किरदारों का हाथ होता है? KGF में कौन सी टीम देख रही है एक्शन सीन्स का काम? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की ऐसी मूवी की जिसने सबको चौंका देने वाले रिकॉर्ड बनाए और एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए आ रही है KGF चैप्टर 2। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं KGF चैप्टर 2 की, लेकिन उससे पहले KGF सीरीज की उन उपलब्धियों की जो उसने हासिल की। बता दें कि KGF चैप्टर 1 के सारे डब्ड वर्जन्स को भारत में 20 दिसंबर 2018 में एक साथ रिलीज किया गया था। KGF चैप्टर 1 को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया और इस फिल्म के विजुअल और ट्रेलर देखकर यही लगता है कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। KGF चैप्टर 1 फिल्म को लेकर नॉर्थ साइड में भी ज्यादा लोग उत्साहित थे, क्योंकि वो इसके पहले बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के अंदर साउथ की फिल्म का कमाल देख चुके थे और वो कितने बड़े लेवल पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं और अपनी फिल्मों में कितनी मेहनत करते हैं वो देख चुके थे। हालांकि बाहुबली की पूरी सीरीज तेलुगु में शूट की गई थी और KGF पूरी की पूरी कन्नड़ भाषा में शूट की गई थी। अब की बार भी KGF को कन्नड़ में ही बनाया जाएगा, लेकिन हिंदी में भी डब किया जाएगा। लेकिन फिल्म KGF चैप्टर 1 से लोगों की उम्मीद जितनी ज्यादा थी उससे कहीं ज्यादा उम्मीद लोगों को KGF चैप्टर 2 से है, क्योंकि प्रशांत नील ने फिल्म का एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है। फिल्म को प्रशांत नील द्वारा लिखा और डायरेक्ट किया गया है, लेकिन आपको पता है कि लोगों को इनकी मूवी से इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों है? तो बता दें कि इन्होंने इसके पहले 2014 में भी कन्नड़ भाषा की एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म उग्रम को डायरेक्ट किया है, लेकिन उस फिल्म को हिंदी में डब नहीं किया गया था।
ये प्रशांत नील के एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी और ये कन्नड़ भाषा में उस समय की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। केजीएफ चैप्टर वन फिल्म के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी और एडिटर के तौर पर प्रशांत नील की पहली फिल्म की टीम यानी कि उग्रम की टीम को ही लिया गया था। म्यूजिक में रवि बसरूर, सिनेमेटोग्राफी के लिए भुवन गौड़ा और एडिटर के लिए श्रीकांत गौड़ा को ही लिया गया था। इस वजह से फिल्म उग्रम और केजीएफ के अंदर सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में काफी कुछ चीजें एक जैसी देखने को मिलती हैं। इसकी सफलता के बाद जब इसे हिंदी में डब किया गया तो इसकी सफलता आसमान पर थी। इसके एक्शंस और कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया था और तभी प्रशांत नील ने इसका दूसरा पार्ट बनाने का फैसला भी कर लिया था, जिसमें आपको बता दें कई एलिमेंट्स जोड़े गए हैं। एक दमदार कहानी जो कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों होगी, साथ ही इसमें नए कैरेक्टर्स को साथ लाया जाने वाला है, जिसमें अधीरा जो कि हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है और रमिका सेन जो राजनीति से उठाया गया किरदार है और रॉकी जिसे तो हम पहले भी फिल्म में देख चुके हैं। केजीएफ 2 में प्रशांत की वही टीम इनके साथ भी काम कर रही है जो इनकी पहली फिल्म में इनके साथ थी। जी हाँ, क्योंकि वो टीम अच्छे से KGF 2 की रिलीज के बारे में हाल ही में प्रशांत नील ने क्या कहा, KGF 2 की शूटिंग लोकेशंस कौन सी हैं और इसमें कितने वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, KGF 2 के क्लाइमैक्स सीन रॉकी वर्सेस अधीरा फाइट किस लोकेशन में शूट हुआ। 2021 में काफी सारी बड़ी फिल्में रिलीज के लिए प्लान की गई थी, लेकिन कोविड तो कुछ और ही मंजूर था। नतीजन हर एक बड़ी फिल्म को अभी भी रिलीज के लिए होल्ड पर रखा गया है और इस पोस्टपोन फिल्म में शामिल है साल की सबसे हाइप फिल्म KGF 2 जो कि ऑल दो जुलाई के लिए एम की गई थी और अब अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। लेकिन हाल फिलहाल में जब कोविड की सेकेंड वेव थोड़ी डिक्लाइन होने लगी तो फिल्म के तगड़े फैन बेस ने फिल्म को अब रिलीज करने की डिमांड उठाई है। इस पे डायरेक्टर प्रशांत नील ने क्या कहा जानते हैं आगे। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और लाई हूँ KGF 2 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स का डोज लेकर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या खास है इस वीडियो में तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम आपके पास किसी भी फिल्म से जुड़ी अपडेट्स को लेकर आए तो वो आप सबसे पहले जान पाए। आपको बता दें प्रशांत नील ने फिल्म के नियर टाइम में रिलीज होने की सारी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि इस सिचुएशन में ऑडियंस को थिएटर में बुलाना एक सही डिसीजन नहीं होगा क्योंकि अभी भी कोविड का खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। साथ ही उन्होंने एड ऑन किया कि वो स्पेयर टाइम को KGF 2 को और भी ज्यादा बेटर बनाने में यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि आपकी फिल्म को लेके जो भी एक्सपेक्टेशन हो वो इससे ऊपर का ही प्रोडक्ट निकल के आए। और बात करें KGF 2 को लेकर हाइप की तो सिंपली इसके टीजर को मिले रिस्पॉन्स और इवन PM से रिलीज डेट के दिन हॉलीडे डिक्लेयर करने की मांग ही कहानी को अच्छे से बयां कर देती है। और इसी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए हम लेके आए हैं इनसाइडर डिटेल्स KGF 2 की शूटिंग लोकेशंस को लेके। फिल्म के सेकेंड चैप्टर का श्री गणेश हुआ था 2019 में हैदराबाद और ठीक एक साल बाद मार्च 2020 में इसे डेफिनेट रीजंस के लिए रोकना पड़ गया। फिर जैसे ही अगस्त 2020 में कोविड रिस्ट्रिक्शन हटी KGF टीम ने अपना शूट स्केड्यूल को बेंगलुरु के कांतावीरा स्टूडियोज में कंटिन्यू किया और इसके बाद ये पहुंचे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका में जहां फिल्म का एक ग्रेट चंक कैप्चर किया गया और लास्टली फिर एक बार हैदराबाद का रूट पकड़ के फिल्म को रैप अप किया गया। सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट के मुकाबले काफी बड़े इरेक्ट किए गए थे और इनमें से मैक्सिमम रहे कोलार गोल्ड फील्ड में ही। इतने बड़े सेट्स को खड़ा करने पाने में जाहिर है काफी मैन पावर लगनी ही थी, इसलिए मेकर्स ने करीब 1200 वर्कर्स को डेली वेज 500 पर हायर किया और तो और इन सभी वर्कर्स का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस भी करवा के रहने खाने का इंतजाम वहीं पर कर दिया था। इस तरह KGF 2 अपने शूट वर्कर्स के लिए इतने इंतजाम करने वाली फर्स्ट कन्नड़ फिल्म भी बन गई। और बात करें फिल्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन रॉकी वर्सेस अधीरा की तो इसे हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया है और यही फिल्म की मेन हाईलाइट भी बनने वाली है। इस डेडली फेस ऑफ की शूट लोकेशन कंफर्मेशन खुद डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके की थी। तो आज की वीडियो में बस आईजी से हमें क्या लाइफ लर्निंग लेसंस मिलते हैं, KGF चैप्टर 2 से हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। हर एक ग्रेट फिल्म की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, प्राइमरीली इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है और वो भी भर भर के। तो वही बैलेंस आउट करने के लिए छिपे होते हैं कुछ क्रूशियल लाइफ लेसंस।
हर एक ग्रेट स्टोरी टेलिंग आर्टिस्ट की ये ट्रेडमार्क क्वालिटी होती है कि वो मीडियम को इम्पैक्टफुल स्टोरीज डिसेमिनेट करने के लिए उसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SSS राजमौली, प्रशांत नील, अनुभव सिन्हा एंड गुनीत मोंगा एटसेट्रा। इन आर्टिस्ट की फिल्मोग्राफी डेफिनेटली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो होती ही है, लेकिन साथ ही में इनमें छुपे होते हैं कुछ सब मिनिमल लाइफ एडवाइसेस। और आज इन्हीं लाइफ लेसन्स को हम करेंगे डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ प्रशांत नील्स KGF मूवी। मैं हूं आज की होस्ट रक्षिता, स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। KGF फ्रेंचाइजीज बड़े ही सटल वे में हमें लाइफ की रियलिटी का कड़वा घूंट पिला जाती है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन रहा है रैक्स टू रिचेस स्टोरी का। KGF के प्रोटैगनिस्ट रॉकी एंड इसे निभाने वाले कमाल आर्टिस्ट यश इस रैक्स टू रिचेस स्टोरी के जीते जागते सबूत हैं। जहां रॉकी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की एस्पिरेशन मन में पाले रखता है, तो वहीं यश इस स्टोरी को रियलिटी में सच करके दिखा गए हैं। यश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पिता एक बस ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन अपना हार्ड वर्क की बदौलत आज ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सेकेंड इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन होगा एडवर्सिटीज का डट के मुकाबला करना। एज ओल्ड सेइंग, ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। ऐसा ही कैरेक्टर है रॉकी का, जो कि हर एक अपॉर्चुनिटी को सही से ढूंढता है, पर फिर चाहे लाख मुश्किलें पेश हों, एक हाथी को मार गिराना हो तो रॉकी भाई हाजिर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज रहा वैल्यू ऑफ मदर्स अनकंडीशनल लव। यही जीवन का सार भी है कि माँ का प्यार का कोई भी रेप्लीकेट नहीं कर सकता। रिमेम्बर, दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। एंड फाइनली यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब गरुड़ा के बॉडीगार्ड रॉकी को शूट करने आते हैं तो कैसे सभी लेबर्स कॉमन एनिमी के अगेंस्ट यूनिफाई हो जाते हैं, बस यही सीख सक्सेस का मंत्रा भी है। चाहे जितने भी टफ हो आप, अगर जंग को जीतना है तो लोगों का सपोर्ट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बेशक KGF चैप्टर 2 में भी एंटरटेनमेंट की भरी डोज के साथ वैल्यूएबल एडवाइस की भी भरमार होने वाली है, पर पहले इस सीक्वल से हमारी एक्सपेक्टेशंस को जरा बयां कर लेते हैं। फिल्म में सिनेमा के सबसे डेडली फेस ऑफ रॉकी वर्सेस अधीरा के ताबड़तोड़ होने की उम्मीद है, जहां सिर्फ इस एक बैटल के लिए ही मेकर्स ने करीब 6 करोड़ तक खर्च कर दिए हैं। सीक्वल में एक्शन एस्पेक्ट 5 गुना बढ़ने वाले हैं। As already told by star Yash, story-wise तो ये franchises कमाल है, लेकिन specially character development में हमें और elaboration की उम्मीद है। जैसे कि अधीरा का first part में कोई खास role नहीं था, इस बार इसे काफी तसल्ली से introduce और develop कराया जाएगा। First part के end में Rocky gold mine workers के साथ stand हुआ दिखता है। अब देखना ये है कि इस राइटियस मैन की जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी। KGF फ्रेंचाइजीज की बुनियाद ही रॉकी का उसकी माँ से किया हुआ वादा है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, तो इस मदरहुड रिलेशन की भी थोड़ी बहुत किस्से देखने को मिल सकते हैं। सबसे मेन कैरेक्टर प्रियम रमिका सेन के नेगेटिव और पॉजिटिव रोल से पर्दा उठाना काफी इम्पोर्टेंट है, और आखिर क्यों इसे रॉकी को मारने का फरमान जारी किया। कुछ एक एडिशनल कैरेक्टर जैसे विजेंद्र इंगालगी, इनायत खलील और CBI ऑफिसर की स्टोरी में इम्पोर्टेंस कायम की जाएगी। फर्स्ट पार्ट ने रॉकी के अलावा गोल्ड माइन के और भी सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे स्टोरी टेलर, शांति, ब्लाइंड वर्कर को डिफाइन कर दिया है। सेकेंड पार्ट में इनकी इम्पोर्टेंस इलेबरेट होने की उम्मीद भी है। एंड फाइनली जर्नलिस्ट आनंद इंगालगी कैसे इस हिडन स्टोरी को जानते हैं और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी बुक को बैन और रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू किया, इन फ्लेमिंग क्वेश्चन से आंसर तभी मिल पाएंगे जब KGF का मच अवेटेड चैप्टर 2 होगा रिवील। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली। इसको और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा इस फिल्म का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। इस समय कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको लेकर काफी समय से इंतजार चल रहा है, लेकिन किसी न किसी कारणवश फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन होती जाती है। ऐसे में मोस्ट अवेटेड फिल्म की लिस्ट में नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो यश की KGF चैप्टर 2 है।
कन्नड़ सुपरस्टार की इस फिल्म के पहले चैप्टर ने रिलीज होकर धमाका मचा दिया था और उस वक्त शाहरुख की जीरो रिलीज हुई थी और सोचिए इतनी भयंकर टक्कर थी। ऐसे में केजीएफ चैप्टर 2 आगे निकल गई और सबको हैरान करके रख दिया। वहीं आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, 16 जुलाई को इसे रिलीज होना था और टीजर और ट्रेलर भी ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया जिसने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड्स भी तोड़े। वहीं अब जो जानकारी सामने आ रही है वो केजीएफ फैंस के लिए थोड़ी सी निराशाजनक है। आपको बता दें कि इस फिल्म को भी अब पोस्टपोन किए जाने की बात की जा रही है क्योंकि लॉकडाउन के चलते थिएटर्स बंद है और मेकर्स हर हाल में इसे थिएटर में ही रिलीज करना चाहते हैं क्योंकि ये थिएटर के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बनाई गई है। इसे बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया गया है। खुद यश ने कहा था कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम OTT पे नहीं बल्कि थिएटर्स में ही आएंगे। हालांकि अब फिल्म कब रिलीज होगी ये तो कहा नहीं जा सकता, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन 16 जुलाई को इसे रिलीज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं जानकारी के मुताबिक बता दें जब देश भर में थिएटर 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खुलेंगे तभी केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज किया जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी बजट की ये फिल्म है और इतना बड़ा लॉस ये नहीं झेल सकती। इस फिल्म से अक्सर किसी न किसी तरह की खबर सामने आती रहती है जो कि फैंस की धड़कनों को लगातार बढ़ा देती है। हाल ही में पता चला था कि ये फिल्म काफ़ी लंबे होने वाली है और फैंस काफ़ी समय तक इसका मज़ा ले पाएंगे। पता चला था कि फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 52 मिनट की होने वाली है। हालांकि इस समय इतनी लंबी कुछ ही फिल्में देखने को मिल रही हैं, अब सारी शॉर्ट फिल्में बन रही हैं। वहीं आपको बता दें इसके अलावा फिल्म की कहानी को लेकर पता चला था कि ये जहां से खत्म हुई थी यानी कि केजीएफ चैप्टर 1 जहां खत्म हुई वहीं से केजीएफ चैप्टर 2 की दमदार कहानी को आगे बढ़ाया जाना है। और साथ ही आपको बता दें इसमें रवीना टंडन और संजय दत्त भी अहम भूमिकाओं में होने वाले हैं और संजय दत्त का किरदार जो है विलन का किरदार है, लीड किरदार है और इसमें यश और संजू बाबा की धमाकेदार फाइटिंग सीक्वेंस होंगे, शर्टलेस होंगे। इसके लिए बॉडी पर बराबर काम किया है दोनों ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अब देखना होगा कब ये रिलीज हो पाएगी। आपको कितना वेट हो रहा है इस फिल्म का नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। राव रमेश का क्या किरदार होगा केजीएफ 2 में? केजीएफ 2 की रिलीज डेट पर किसका काला साया मंडरा रहा है? 16 जुलाई लेकिन कौन से साल की केजीएफ 2 को लेकर इसका क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की उस फिल्म की जो तब से ही सुर्खियों में है जब से इसका दूसरा पार्ट बनने की बात सामने आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगातार अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट में बदलाव हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सिनेमाघर बंद है जिस कारण फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों की रिलीज डेट टालने को मजबूर है। निर्माताओं को उम्मीद है कि जल्द ही देश के हालात सामान्य हो जाएंगे जिसके बाद वो अपनी फिल्में रिलीज कर पाएंगे। साल 2021 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों की बात की जाए तो उनमें केजीएफ 2 सबसे ऊपर आती है। यश, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर केजीएफ 2 का इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे हैं। बीते दिनों सुनने में आया था कि कोरोना की वजह से केजीएफ 2 के मेकर्स अपनी फिल्म को अगले साल ला सकते हैं, पर मेकर्स ने इन खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और बताया है कि वो अपनी फिल्म को इसी साल रिलीज करेंगे। केजीएफ 2 में काम करने वाले कलाकार राव रमेश के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने उनका फर्स्ट लुक रिवील किया है। फर्स्ट लुक रिवील करने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। मेकर्स ने बताया है कि वो अपनी फिल्म को 16 जुलाई के दिन ही बड़े पर्दे पर रिलीज करेंगे, लेकिन केजीएफ 2 के मेकर्स ने तारीख के साथ साल का खुलासा नहीं किया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म अगर इस साल रिलीज नहीं हो पाई तो मेकर्स अगले साल इसी तारीख पर इसे दर्शकों के सामने पेश करेंगे। कोरोना से बिगड़े हालातों पर चर्चा करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि देश के कई हिस्सों में हालात काफी गंभीर है। सरकार कोरोना मामलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है लेकिन ये जल्द कम होते नहीं दिख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हालात पर काबू पाया जा सकेगा।
अगर राव रामेश की किरदार की बात करें तो ये फिल्म में क्लाइमैक्स सीन में नजर आएंगे जिनमें यश के साथ दिखाया जाएगा। ये लुक इनका राव रामेश के जन्मदिन पर सामने आया। अब इनके किरदार में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा ये देखने लायक होगा। अगर आप भी इनके किरदार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वैसे लोग KGF 2 को सिनेमा में रिलीज होते देखना चाहते हैं और बिना इसके उन्हें KGF 2 को देखने में मजा नहीं आने वाला है। तो आप KGF 2 को किस स्क्रीन पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम आपके पास KGF के लीड एक्टर रॉकी भाई का लुक और कैरेक्टर ट्रेड कैसे शादी के महानायक अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड था, KGF स्टोरी कैसे ट्राइड एंड टेस्टेड एंग्री यंग मैन थीम को पोर्ट्रे करती है, फिल्म मेकिंग में इंस्पिरेशंस के लिए हमेशा से ही जगह रही है, ना जाने कौन सा कैरेक्टर किसी फिल्म मेकर को किस पॉइंट पे इंस्पायर कर जाए वो अपने अगले प्रोजेक्ट में इस इंस्पिरेशन से एक अलग ही लेवल का कैरेक्टर पैदा कर दे। इवन हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान और मार्टिन स्कोरसेसी ने ये कहा है कि इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत राय के वर्क्स अप्पू ट्रायलॉजी और पत्थर पंचली ने उन्हें फिल्म मेकिंग के लिए काफी इंस्पायर किया। कहीं ना कहीं हर एक फिल्मी कैरेक्टर सीक्रेटली किसी प्रीवियसली हिट कैरेक्टर और पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड होता है और आज हम ऐसे ही एक सुपर हिट कैरेक्टर KGF के रॉकी के इंस्पिरेशन की बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका। रॉकी भाई के रस्टी और विंटेज लुक ने हम सबको अमेज करके रख दिया था और ऑथेंटिक फील के लिए जब इन्हें 70s के कपड़े पहनाए गए तो इस कैरेक्टर से जरूर आपको 70s और 80s के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी की झलकी आई होगी। एस वी नो मूवी सेट है 70 के टाइम पे तो डायरेक्टर प्रशांत नील सिर्फ लुक से ही उस टाइम पीरियड की एसेंस क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस समय के सबसे बड़े स्टार बच्चन साहब के रेट्रो लुक्स को रेप्लिकेट करने की सोची। इसलिए रॉकी भाई के बाल लंबे रखवाए गए और इन्हें ओल्ड स्टाइल बेल बॉटम कोट पैंट पहनवाया गया। सिर्फ लुक्स तक ही नहीं बल्कि KGF अपनी स्टोरी थीम को लेके भी 70s हिंदी सिनेमा से मेजर इंस्पिरेशन लेती है, जहां हमें सिमिलर एंग्री यंग मैन बेस्ड प्लॉट देखने को मिलता है। खुद अमिताभ बच्चन ने भी कहा है कि KGF एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्टोरी है, एक रेबेलियस प्रोटैगोनिस्ट जो कि लार्जर देन लाइफ शेड में दिखाया गया है और उसका बेसिक काम है लाचार और बेसहारा लोगों के हक के लिए लड़ना। और सिमिलर ही स्टोरी लाइन द मोस्ट 70s बेस सिनेमा की हुआ करती थी, बट एट द सेम टाइम KGF ने इन मिनट प्लॉट और कैरेक्टर ट्रेड तक की इंस्पिरेशन ड्रो की और इसी के बलबूते पे एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी ऑडियंस तक पहुंचाई, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इंस्पिरेशन ड्रॉ करने का असल मकसद ही यही होता है कि ऑलरेडी प्रेजेंटेड सागा को अपने अलग ढंग से रिप्रेजेंट करना, और इस मामले में तो KGF फ्रेंचाइजी ने लाजवाब काम किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई। कैसा होगा रवीना टंडन का फिल्म में किरदार, आखिर क्या बताया रवीना ने फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में। बॉयग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। फिल्म KGF चैप्टर 2 की चर्चा तभी से है जब से इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज होकर हिट हुआ था। फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। निर्देशक प्रशांत नील की इस फिल्म में इस बार बॉलीवुड एक्टर्स रवीना टंडन और संजय दत्त भी देखने को मिलेंगे। हाल ही में रवीना टंडन ने इस फिल्म में निभाने वाले किरदार पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने हामी भर दी थी बिना पार्ट 1 देखे, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी शानदार थी। रवीना कहती हैं, फिल्म की स्टोरी लाइन से मैं काफी इम्प्रेस हुई थी, टीम से लगातार बातचीत हो रही थी, प्रशांत ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और बिना पार्ट 1 देखे मैंने फिल्म के लिए हामी भर दी। फिर जब मैंने पार्ट 1 देखा तो मेरा होश उड़ गए, मेरे लिए ये न्यू एज सिनेमा अप्रोच था। हालांकि ये भी मेरे लिए जरूरी होता है कि पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में स्टोरी लाइन किस तरह दर्शकों को प्रभावित करती है, और फिर मेरा रोल काफी दिलचस्प होने वाला था तो मैं इसके लिए कैसे मना करती। रवीना आगे कहती हैं कि प्रशांत नील का काम शानदार रहा है, मुझे लगता है कि उनका काम ही उन्हें स्पेशल बनाता है, क्योंकि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उनके दिमाग में कब क्या आइडिया आ जाए। असल दुनिया में वे काफी शांत किस्म के व्यक्ति हैं। मस्त मस्त गर्ल के नाम से फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपने बर्थडे के मौके पर फिल्म KGF चैप्टर 2 से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने फैंस के लिए फर्स्ट लुक शेयर किया था। इस लुक में वो बहुत प्रभावशाली लग रही हैं।
रवीना लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर इस फिल्म से जोरदार वापसी करने जा रही हैं। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में वो रमिका सेन के रोल में दिखाई देंगी। अपने फर्स्ट लुक को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए छोटा सा संदेश लिखा है रवीना ने लिखा, पेश है #KGFChapter2 से #RamikaSen। बर्थडे के शानदार तोहफे के लिए केजीएफ की टीम को धन्यवाद। फर्स्ट लुक में वे मरून कलर की साड़ी पहने बेंच पर बैठे हुए दिख रही हैं और उनकी नम आंखें बता रही हैं कि वो बहुत भावुक है। बेंच पर बैठी हुई रवीना इस लुक में बहुत प्रभावशाली लग रही हैं। तो इस फिल्म में संजय दत्त विलेन का लीड रोल करने वाले हैं। इस फिल्म में संजय दत्त के किरदार का नाम अधीरा है और उनकी भूमिका फिल्म में धांसू होने वाली है। तो क्या लगता है आपको, क्या 90s की ये फेमस एक्ट्रेस डाल पाएंगे? हम बात करने जा रहे हैं उन सब लोगों की जिनके पैसे इस फिल्म यानी KGF 2 में लगे हैं। बता दें, इस कोरोना काल में एक तरफ जहां फिल्म इंडस्ट्री अपनी मूवी रिलीज करने से डर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यश स्टारर KGF चैप्टर 2 के जलवा कायम है। भारत की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से KGF चैप्टर 2 दुनिया भर के सिनेमा घरों में 16 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के ओवरसीज राइट्स के लिए मेकर्स ने 80 करोड़ रुपयों की मांग की है। इस भारी भरकम रकम को सुनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के होश उड़ गए हैं। सुनने में आ रहा है कि कंपनी ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। KGF 2 ने अलग अलग तरह से अपने राइट्स बेचे हैं, जिसमें हिंदी राइट्स, तेलुगु, तमिल, सैटेलाइट राइट्स इत्यादि शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी राइट्स की, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ हिंदी राइट्स की नहीं बल्कि अन्य राइट्स की भी बात करेंगे। KGF चैप्टर 1 की शानदार कामयाबी के बाद अब दूसरे चैप्टर के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार की ही तरह रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF 2 के हिंदी राइट्स फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन हाउस एक्स एंटरटेनमेंट ने खरीदे हैं, जिसके लिए उन्हें 90 करोड़ से ज्यादा रुपयों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन इससे पहले फिल्म KGF जब बनाई जा रही थी, तब इसकी हिंदी रिलीज के बारे में नहीं सोचा गया था। पहले चैप्टर के मुकाबले दूसरे में 7 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। ऐसे में एक्सेल को इसकी राइट्स के लिए इस बार ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। इसके साथ ही तमिल राइट्स 60 करोड़ और सैटेलाइट राइट्स 120 करोड़ और तेलुगु राइट्स 80 करोड़ खरीदे गए। तेलुगु राइट्स को पृथ्वीराज प्रोडक्शन के द्वारा खरीदा गया है। बताते चले कि फिल्म KGF चैप्टर 2 का क्लाइमेक्स सीन हैदराबाद में शूट किया गया है। क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग में मेकर्स ने जो खर्चा किया है, उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म के पावर पैक्ड क्लाइमेक्स सीक्वेंस को शूट करने में मेकर्स ने 12 करोड़ का खर्च किया है। अब ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा कि फिल्म के क्लाइमेक्स को किस तरीके से पर्दे पर पेश किया जाएगा। मेकर्स की माने तो उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि फिल्म VFX पर ज्यादा निर्भर है। अब जब खर्चा करोड़ों में हुआ है, तो कमाई भी करोड़ों में होना तय है। तो आपको क्या लगता है, इन सब के खरीदे गए राइट्स अब क्या कमाल दिखाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। और जाते जाते हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि हम जब भी आपके पास किसी भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी अपडेट। होगा रवीना टंडन का फिल्म में किरदार, आखिर क्या बताया रवीना ने फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में? बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। फिल्म KGF चैप्टर 2 की चर्चा तभी से है जब से इसका पार्ट 1 रिलीज होकर हिट हुआ था। फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार करने लगे थे। निर्देशक प्रशांत नील की इस फिल्म में इस बार बॉलीवुड एक्टर्स रवीना टंडन और संजय दत्त भी देखने को मिलेंगे। हाल ही में रवीना टंडन ने इस फिल्म में निभाने वाले किरदार पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने हामी भर दी थी बिना पार्ट 1 देखे, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी शानदार थी। रवीना कहती हैं, फिल्म की स्टोरी लाइन से मैं काफी इम्प्रेस हुई थी। टीम से लगातार बातचीत हो रही थी, प्रशांत ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और बिना पार्ट 1 देखे मैंने फिल्म के लिए हामी भर दी। फिर जब मैंने पार्ट 1 देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मेरे लिए एक न्यू एज सिनेमा अप्रोच था। हालांकि ये भी मेरे लिए जरूरी होता कि पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में स्टोरी लाइन किस तरह दर्शकों को प्रभावित करती है, और फिर मेरा रोल काफी दिलचस्प होने वाला था, तो इसे मैं कैसे मना कर सकती थी। रवीना आगे कहती हैं कि प्रशांत नील का काम मुझे बहुत ही शानदार लगा। मुझे लगता है कि उनका काम ही उन्हें स्पेशल बनाता है,
क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि उनके दिमाग में कब क्या आइडियाज आ जाएं। असल दुनिया में वे काफी शांत किस्म के व्यक्ति हैं। मस्त मस्त गर्ल के नाम से फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपने बर्थडे के मौके पर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने फैंस के लिए फर्स्ट लुक शेयर किया था। इस लुक में वो बहुत ही प्रभावशाली लग रही हैं। रवीना लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर इस फिल्म से जोरदार वापसी करने जा रही हैं। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में वे रमिका सेन के रोल में दिखाई देंगी। अपने फर्स्ट लुक को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए छोटा सा संदेश लिखा है रवीना ने। लिखा है, पेश है हैशटैग केजीएफ चैप्टर 2 से हैशटैग रमिका सेन। बर्थडे के शानदार तोहफे के लिए केजीएफ की टीम को धन्यवाद। फर्स्ट लुक में वे मेहरून कलर की साड़ी पहने बेंच पर बैठी हुई दिख रही हैं और उनकी नम आंखें बता रही हैं कि वे बहुत ही भावुक हैं। बेंच पर बैठी हुई रवीना इस लुक में बहुत ही प्रभावशाली लग रही हैं। इस फिल्म में संजय दत्त विलेन का लीड रोल करने वाले हैं। इस फिल्म में संजय दत्त के किरदार का नाम अधीरा है और उनकी भूमिका फिल्म में धांसू होने वाली है। क्या लगता है आपको कि क्या 90s की यह फेमस एक्ट्रेस डाल पाएगी फिल्म में जान? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डायरेक्टर प्रशांत नील की बिगेस्ट स्ट्रेंथ कौन सी है? केजीएफ 2 में एज अ डायरेक्टर प्रशांत नील क्या यूनिक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर सकते हैं? इंडियन फिल्म मेकर्स की न्यू जनरेशन सक्सेस के मामले में काफी बड़ी माइलस्टोन अचीव कर रही है। फिर बात चैतन्य तम्हाने की कर लो, जिनकी द डिस्पाइल मूवी वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए जीत आई, या फिर लोकेश कनगराज, जिनके हाथ शायद ब्लॉकबस्टर फिल्म देने का कोई सीक्रेट लग गया है। इन्हीं मार्वलस डायरेक्टर ब्रिगेड में एक और ऑसम फिल्म मेकर शामिल है, जो कि अभी है तो सिर्फ 2 फिल्म ओल्ड, लेकिन इनकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल 2021 की सबसे बड़ी फिल्म बन के उभरने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील की। इनके विजन से ही केजीएफ जैसे मैसिव प्रोजेक्ट बेहद कमाल बन के निकले हैं। तो जानते हैं इनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज अ फिल्म मेकर, जो कि अल्टीमेटली केजीएफ की सक्सेस में 100% शामिल थी। स्वागत है फिल्मी गपशप के वन स्टेप डेस्टिनेशन बॉलीग्रेड स्टूडियोज चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रक्षिता। प्रशांत की डेब्यू फिल्म रही थी उग्रम, जो कि ना तो किसी सुपरस्टार को लेके थी और ना ही फैंसी बजट वाली, और इसके चलने की भी खुद इन्हें भी कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स ने ये बात तो साबित कर दी कि प्रशांत नील इज हियर टू शाइन। बस वहीं से केजीएफ का कारवां शामिल हुआ और अब जाके बड़े धूम धड़ाके से केजीएफ 2 पे जाके खत्म होगा। बात करें इनकी स्ट्रेंथ एज अ आर्टिस्ट की, तो इनसे सबसे पहले है इनकी स्टोरी चॉइस। ये एक ऐसी स्टोरी चुनते हैं जो कि हर एक बैरियर को तोड़ सभी ऑडियंस टाइप को सूट कर जाए, और बस जब एक बार आप इनकी फिल्मोग्राफी देखने की सोच लो तो पूरी तरह हुक्ड हो जाने तो तय ही है, क्योंकि इनकी स्टोरी टेलिंग अप्रोच ही सुपर इंटरेस्टिंग होती है और ऊपर एज वेल ब्लेंडेड मैसेज स्टोरी को बड़े लेवल तक पहुंचा देता है। क्योंकि इनकी स्टोरी टेलिंग अप्रोच ही सुपर इंटरेस्टिंग होती है और ऊपर से वेल ब्लेंडेड मैसेज स्टोरी को एक बड़े लेवल का मकसद प्रदान कर जाते हैं, जैसा कि हमें केजीएफ फ्रेंचाइजीज में देखने को मिल ही गया था। इनकी फिल्म्स में एक कॉमन स्ट्रैंड जरूर रहती है और वो है ऑसम हीरो एलिवेशंस। इनके फिल्मी हीरो से ऑडियंस फैसिनेटिंगली वेल कनेक्शन कर जाती है, और ये सब कमाल है वेल डेवलप्ड सेंट्रल कैरेक्टर का। फॉर एग्जाम्पल, केजीएफ के प्रोटैगनिस्ट रॉकी ने अपने रूथलेस अवतार से कईयों के दिल जीत लिए, क्योंकि इसे उस सर्टन वे में पॉजिटिवली डेवलप किया गया। एंड अगेन केजीएफ 2 के लिए हीरो एलिवेशंस तो इन्होंने टीजर से ही जाहिर कर दिए हैं, जहां रॉकी बैरल गन से गाड़ियों को उड़ा के फुल ऑन स्वैग दिख रहा है,
और यही लार्जर देन लाइफ हीरो एलिवेशंस देखने के लिए तो फैंस थिएटर तक खींचे आते हैं। प्रशांत की फिल्मोग्राफी की प्रोबेबली बेस्ट स्ट्रेंथ हम सिनेमैटिक क्लिफहैंगर क्रिएट कर पाना मान सकते हैं। इसके प्राइम एग्जांपल ही केजीएफ फ्रेंचाइजी, जहां फर्स्ट चैप्टर को इन्होंने एक ऐसे इंटरेस्टिंग मोड पे एंड किया है जहां ऑडियंस से मझधार में फंस गई है और बाकी के ट्विस्ट एंड टर्न्स सीक्वल में दिखेंगे। अब केजीएफ चैप्टर 2 में जरूर हमें प्रशांत के कुछ यूनिक फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें शामिल है प्लेंटी ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चन, सम डार्क सीक्रेट्स, ट्रुथ एंड बिट्रेयल का एक सागर और अल्टीमेटली ढेर सारा एक्शन का भरमार। हम ये जानने में काफी उत्सुक है कि डायरेक्टली स्पेशल हमें इस सीक्वल में क्या देखने को मिलेगा। इस बार इनसे उम्मीदें काफी पहाड़ जैसी है और उम्मीद ये भी है कि अपनी स्किल से ये इन सभी एक्सपेक्टेशंस को पार कर जाएंगे। एंड टू एड ऑन, KGF 2 में हमें चैप्टर 1 के मुकाबले 5 गुना ब्रूटल एक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि प्रशांत की एक प्रीशियस स्ट्रेंथ में से एक है। इनमें एक्शन को रियलिस्टिक एज वेल एज थ्रिलिंग बनाने की काफी यूनिक क्वालिटी है और चैप्टर 2 में इनकी इसी स्ट्रेंथ को हम फ्रंट सीट पे फिल्म का फेट डिसाइड करते हुए भी दिखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की देर हुई है लेकिन आप फिल्म पूरी तरह से धमाका करने के लिए तैयार है। हालांकि इस रिलीज डेट के साथ टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 की टक्कर हो रही है। टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती 2 भी केजीएफ 2 की रिलीज डेट के आसपास ही रिलीज होगी। इस दौरान हीरोपंती 2 की रिलीज घाटे का सौदा साबित हो सकती है। ऐसे में जाहिर है कि हीरोपंती 2 के मेकर्स इस फिल्म से खुद को दूर करना चाहेंगे। इसी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 की रिलीज डेट में बदलाव किया जा सकता है। हीरोपंती 2 की बात करें तो भले ही इस फिल्म की रिलीज डेट 16 जुलाई हो, लेकिन अभी तक फिल्म की शूटिंग आधे में लटकी हुई है। कोरोना की वजह से फिल्म को बीच में ही रोक दिया गया था। दरअसल हीरोपंती 2 के कई सारे सीन बाहर शूट होने थे, लेकिन अब फिल्म में कई सारे बदलाव के साथ शूटिंग होगी। कोविड-19 के चलते टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग में काफी देरी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस फिल्म की डेट को आगे बढ़ा दिया जाए तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। इस फिल्म को टाइगर श्रॉफ को लॉन्च करने वाले प्रोड्यूसर्स साजिद नडियादवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म हीरोपंती से डेब्यू किया था। हीरोपंती के मेकर्स फिल्म के केजीएफ से क्लैश को लेकर इसलिए डर रहे हैं क्योंकि एक तो केजीएफ का बाहुबली की ही तरह लोगों में काफी क्रेज है और फिर इस फिल्म के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। केजीएफ की कास्ट और स्टोरी लाइन काफी अलग और उम्दा है और इसमें काफी मशहूर अभिनेता दिखेंगे और इसलिए इस क्लैश से डर रहे हैं हीरोपंती 2 के मेकर्स। तो क्या आपको भी लगता है कि अगर दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करेगी तो हीरोपंती 2 को होगा भारी नुकसान? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 एक ऐसी मूवी थी जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। क्या कुछ नहीं था इस फिल्म में, दमदार स्टार कास्ट, जबरदस्त गाने, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और दोस्तों म्यूजिक तो इसका लाजवाब ही था। एक्शन और राउडी म्यूजिक तो इसमें था ही, लेकिन इसमें और मसाला डालने के लिए इसमें एक आइटम नंबर भी डाला गया था। अब उसी प्रथा को बरकरार रखते हुए इसके सेकंड पार्ट में भी एक सिज़लिंग आइटम नंबर होने वाला है, लेकिन कौन करेगा इसमें ये आइटम नंबर? बॉलीवुड की मुन्नी, अनारकली, जलेबी बाई या फिर हमारी शीला, आखिर कौन करने वाली है ये आइटम सॉन्ग? दोस्तों, इसमें आइटम सॉन्ग करने वाली है तमाम दिलबरों को नशा चढ़ाने वाली नोरा फतेह। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसके फर्स्ट पार्ट में आइटम सॉन्ग मुनी रॉय ने किया था, लेकिन अब नोरा की मांग इतनी है कि पूछो ही मत।
उनकी अदाएं और कातिल मूव्स लोगों के पसीने छुड़ा देती है। और उनके इसी फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इसमें उन्हें चुना है। अब बेशक नूरा उनके सभी गानों की तरह इसे भी ब्लॉकबस्टर करने वाली है। इस गाने का नाम है महबूबा महबूबा। ये शोले में से क्लासिक गाना महबूबा महबूबा का रिक्रिएटेड वर्जन होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये गाना ओरिजिनल सॉन्ग को बीट कर पाएगा? क्या लोग इसे उतना ही प्यार देंगे जितना ओरिजिनल गाने को दिया था? दोस्तों ये गाना वाकई मजेदार होने वाला है। यश और नूरा को एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए देखना सभी के लिए एक नया अनुभव होने वाला है। इस फिल्म की और एक बात जिसकी वजह से दर्शक काफी हाइप हो गए हैं। कौन है रियल और रियल लाइफ के खलनायक केजीएफ 2 के अलावा शमशेर और पृथ्वीराज में कैसे दिखेगा संजय का अंदाज? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केजीएफ 2 के खलनायक संजय दत्त के बारे में। बता दें कि 61 साल के संजय दत्त के लिए केजीएफ चैप्टर 2 का अधेरा किरदार सबसे चैलेंजिंग और टफ माना जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म में वो लॉर्जर देने लाइफ किरदार रॉकी से लड़ने के साथ ही तरह तरह के एक्शन करते दिखेंगे जिसमें तलवारबाजी सबसे प्रमुख है। केजीएफ चैप्टर 1 में जिस तरह से रोकी का फियरलेस किरदार गढ़ा गया था और उसने जिस अंदाज में गरुड़ा की हत्या की थी, उसके बाद तो लोगों की उम्मीदें केजीएफ 2 में ऐसे विलन देखने की हो गई जो रोकी से टक्कर ले सके। इसी कोशिश के साथ प्रशांत नील ने संजय दत्त को अधेरा किरदार के लिए चुना और माना जा रहा है कि संजय दत्त की फैंस की उम्मीदों पर खड़े उतर सकते हैं। बॉलीवुड के असली खलनायक माने जा रहे संजय दत्त के फिल्मी करियर को उनका अधेरा किरदार अमर कर देगा। जब केजीएफ चैप्टर 2 देखने के बाद लोगों की जुबान पर रोकी की जगह अदीरा नाम गूंजेगा, ऐसा कहीं देखने को मिलता है क्या कि किसी फिल्म में विलन के किरदार को लेकर इतनी उत्सुकता दिखाई गई हो? लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 यश यानी रोकी से ज्यादा संजय दत्त यानी अदीरा के किरदार की वजह से चर्चा में है। आपको बता दें कि संजय दत्त ने अपनी फिल्मी करियर में एक से एक बढ़कर हीरो और विलन के किरदार निभाए हैं। फिल्मों के साथ ही रियल लाइफ के भी खलनायक माने जाने वाले संजय दत्त ने 10 साल के फिल्मी करियर में इतने अलग अलग किरदार निभाए हैं कि शायद ही किसी और एक्टर के इतने अलग अलग फिल्मी रोल पर्दे पर दिखे हो। कभी ड्रग्स और AK-47 की वजह से करियर बर्बाद कर चुके संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री में बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिसे दुनिया सलाम करती है। अच्छी खासी हाइट, मजबूत कद काठी और डरावनी आंखों के साथ ही भारी भरकम आवाज वाले संजय दत्त आने वाले दिनों में भी शमशेर और पृथ्वीराज जैसी मल्टी करोड़ बजट फिल्मों में भी संजय दत्त विलन की भूमिका निभाते दिखेंगे, जिसमें उनका लुक देखने लायक होगा। संजय दत्त की फिल्म तोरबाज अगले महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आप लोग संजय को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं और आपकी इनकी कौन सी मूवी की ज्यादा प्रतीक्षा है, हमें कमेंट के बाद अपने प्रोडक्शन हाउस को संभालेंगे यश। फिल्म सालार को लेकर डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया कौन सा खुलासा? केजीएफ के विलन को मिला गोल्डन वीजा? केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील इस समय 7वें आसमान पर है। ब्लॉकबस्टर केजीएफ चैप्टर 1 के बाद प्रशांत ने दक्षिण फिल्म उद्योग में ए लिस्टर निर्देशकों में जगह बनाई है। वर्तमान में प्रसिद्ध निर्देशक अपनी दो मच अवेटेड फिल्मों केजीएफ चैप्टर 2 में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी सहित और सालार में प्रभास और श्रुति हसन के साथ व्यस्त है। प्रशांत द्वारा अभिनीत दो फिल्मों के हर अपडेट के लिए फैंस के बीच काफी उत्सुकता रहती है। यहाँ तक कि फैंस भी दो हाई वोल्टेज एक्शन से भरपूर ऑपस मैग्नम के बीच किसी भी समानता का अनुमान लगा रहे हैं। हाल के अपडेट के अनुसार दोनों फिल्मों में एक ही संगीत निर्देशक है, रवि बसरूर। इस बीच इस साल की दो मच अवेटेड फिल्मों में एक और करीबी समानता है। केजीएफ 1 में श्रीनिधि के चरित्र के साथ साथ इसके सीक्वल केजीएफ 2 के बारे में फैंस अच्छी तरह से जानते हैं। श्रीनिधि केजीएफ चैप्टर 2 में मुख्य महिला की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगी। सभी फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए सालार निर्देशक ने श्रीनिधि को चैप्टर 2 में भी जोड़ने की योजना बनाई है। अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो प्रशांत ने हाल ही में सालार में एक विशेष गीत के लिए केजीएफ अभिनेत्री श्रीनिधि से संपर्क किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। गाने की शूटिंग इसी साल के अंत में की जाएगी। कयासों के मुताबिक श्रीनिधि एक आइटम नंबर में बागी स्टार प्रभास के साथ थिरकती नजर आएंगी। कन्नड़ स्टार यश की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज के बाद अभिनेता सुर्खियों में छा गए, जिसने उन्हें एक अखिल भारतीय अपील के साथ एक स्टार के रूप में पेश किया। अब यश जल्द ही अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने वाले हैं और उनका अगला एक्टिंग असाइनमेंट उनके होम प्रोडक्शन के लिए होगा। अभिनेता के करीबी सूत्र ने बताया केजीएफ और इसके सीक्वल दोनों यश के करीबी दोस्तों द्वारा
निर्मित है। वास्तव में अगली फिल्म जिसे प्रशांत नील प्रभास के साथ निर्देशित कर रहे हैं वो भी यश के दोस्तों द्वारा निर्मित की जा रही है। इन्हीं दोस्तों ने सुझाव दिया कि केजीएफ के बाद यश अपनी फिल्मों का निर्माण खुद करे। वाह दोस्त हो तो ऐसे सपोर्ट करने वाले। यश के प्रोडक्शन हाउस की घोषणा केजीएफ 2 की रिलीज होने से पहले हो सकती है जो कोविड 19 की स्थिति पर निर्भर करता है। यश अपनी अगली रिलीज के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। भले ही कोविड चीजों को इस हद तक धीमा कर दे कि केजीएफ 2 योजना के अनुसार 2021 की गर्मियों में रिलीज करने में असमर्थ हो। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केजीएफ चैप्टर 2 का प्रमोशन जोरों पर है। प्रशांत नील ने फिल्म का निर्देशन करने के अलावा कहानी पटकथा और संवाद भी लिखे हैं। विजय किरण गंडूर अपने बैनर होमबले फिल्म्स के तहत इस परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। केजीएफ की सफलता पर इसके नायक यश ने पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था, केजीएफ की सफलता कन्नड़ उद्योग के लिए बहुत मायने रखती है, खासकर हमारे बहुत से प्रतिभाशाली तकनीशियनों के लिए जिन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार है। इस सफलता से कन्नड़ इंडस्ट्री का मनोबल बढ़ा है। इसने प्रशांत नील की प्रतिभा को सही ठहराया है। उन्होंने कहा, कन्नड़ उद्योग के बारे में धारणा बदल गई है। इंडस्ट्री के लोग अब हमें गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे बहुत से प्रतिभाशाली तकनीशियन एक मंच की तलाश में हैं और केजीएफ ने उन्हें वो स्थान प्रदान किया है। ये सफलता हमारी इंडस्ट्री की सभी अनयूज्ड प्रतिभाओं के लिए बहुत मायने रखती है। कुछ वेबसाइटों ने हाल ही में बताया था कि प्रशांत नील द्वारा निर्देशित अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म सालार शीर्ष निर्देशक की सफल फिल्म उग्रम की रीमेक है। केजीएफ के डायरेक्टर ने अब अफवाहों को खारिज कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि ये पैन इंडिया फिल्म एक ओरिजिनल कहानी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महान कृति का कथानक प्रभास को ध्यान में रख कर लिखा गया है। होमबले फिल्म्स द्वारा समर्थित सालार एक एक्शन फिल्म है जिसमें प्रभास एक नए अवतार में है। इसमें फाइट सीक्वेंस और डायलॉग्स बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। फिल्म में श्रुति हसन मुख्य नायिका के रूप में है और बाहुबली के साथ उनका पहला सहयोग होगा। चर्चा ये है कि बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहिम सालार में विलन की भूमिका निभा सकते हैं यदि चीजें योजना के अनुसार होती है। बागी 2 की अभिनेत्री दिशा पाटनी के फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी चर्चा है। आने वाले महीनों में इन अफवाहों पर स्पष्टता आने की संभावना है। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 के विलन अधीरा यानी संजय दत्त केजीएफ के बाद दुबई में घूम रहे हैं। संजय दत्त को संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया है। संजय ने बुधवार को ये खबर सोशल मीडिया के जरिए साझा की। उन्होंने वीजा के लिए वहां के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। वहीं संजय की बेटी त्रिशला दत्त ने भी संजय की तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दी। बताया जा रहा है कि गोल्डन वीजा हासिल करने वाले संजय पहले बॉलीवुड एक्टर हैं। संजय ने दो तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा की। एक में वो अपना पासपोर्ट कैमरे की ओर दिखा रहे हैं। तस्वीर में संजय मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी के साथ, जो दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल है। संजय ने तस्वीरों के साथ लिखा, मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी का मौजूदगी में यूएई का गोल्डन वीजा पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस सम्मान के लिए उनके साथ यूएई सरकार का शुक्रगुजार हूं। साथ ही संजय ने फ्लाई दुबई के सीईओ हमाद अब्दुल्ला का शुक्रिया भी अदा किया। तो क्या अब यश केजीएफ के बाद अपने प्रोडक्शन की एक्शन फिल्मों में अभिनय करते दिखेंगे? क्या आप तैयार है रॉकी भाई को एक नए अवतार में देखने के लिए? हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी पर आधारित क्या था राजाओं की कमाई का राज? भारत में बिजली का क्या है इतिहास? केजीएफ भारत का बहुत ही पुराना इतिहास है। इस कॉन्सेप्ट पर इसी नाम से कन्नड़ फिल्म भी बनाई जा चुकी है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित ये फिल्म 2018 में दर्शकों के सामने आई थी। इसे खूब पसंद किया गया था और इसने कमाई के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। आइए आज हम इसी वीडियो में आपको असली केजीएफ के बारे में बताते हैं। केजीएफ का मतलब कोलार गोल्ड फील्ड है, जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। एक समय में ये भारत को सबसे ज्यादा सोना देने वाली जगह भी थी। ये वही जगह है जहां पर माइंस करके पूरा गोल्ड को निकाला जाता था। इतिहासकारों के अनुसार यहां से खुदाई करके लगभग 800 टन सोने का उत्पादन किया जा चुका है और ये गोल्ड लगभग 1880 से 2001 के बीच में निकाला गया है। इस खदान के बारे में कहा जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। यहां माइन करके गोल्ड को निकाला जाता था। एक समय ऐसा था जब इसमें लगभग 10,000 लोग काम किया करते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान पड़ी है।
कहा यह भी जाता है कि जब बहुत पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तब इसे मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ का मौसम इंग्लैंड से मिलता जुलता था। अभी भी वहाँ ठंड ही रहती है। केजीएफ दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। ये 1980 और 1990 के दशकों में इसकी खुदाई धरती की सतह से 3 किलोमीटर गहरी की गई थी। दक्षिण अफ्रीका की कुछ ही खदान ऐसी है जो इससे ज्यादा गहरी है। यहाँ पर गोल्ड के लिए सबसे पहले शताब्दी में खुदाई शुरू की गई थी जो कई दशकों तक चलती रही। ये जगह साउथ इंडियन के राजाओं के आय का मुख्य सोर्स बन चुका था। सबसे ज्यादा आय यहीं से होती थी। 1864 में ब्रिटिश शासन को इस जगह के बारे में जानकारी हुई जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को गोल्ड निकालने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गोल्ड का उत्पादन और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड रॉब्सन को दे दी गई, जिसके लिए उन्होंने गोल्ड माइनिंग मशीनें लगा दी। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी, जिसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा बिजली की आपूर्ति पूरी की गई, जिसके बाद भारत दुनिया का पहला देश बन चुका था जो इस तरह का प्लांट यूज करता था। और फिर भारत में भी बिजली का इस्तेमाल होने लगा। क्या आप जानते हैं कि एशिया में जापान के टोक्यो शहर के बाद बिजली इस्तेमाल करने वाला इंडिया दूसरा देश बन चुका था और अब इस प्लांट को कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक फिल्म में जितना ध्यान लोगों का उसकी स्टार कास्ट, उसकी कहानी और उसके डायलॉग्स पर होता है, उतना ही उनके गानों पे भी होता है। कुछ कुछ फिल्में तो ऐसी होती है कि भले ही उनकी कहानी टाइम पास हो पर उनके गाने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर जाते हैं। और जो फिल्में हमें मजेदार कहानी के साथ साथ दिल को छूने वाले गाने भी देते हैं, वही फिल्में सभी को याद रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साउथ की इंडस्ट्री उसके एक्शन और अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती है। उनकी फिल्मों में अलग ही बात होती है और इसी साउथ इंडस्ट्री में दो फिल्में ऐसी आई जिन्होंने भारतीय फिल्मों का नक्शा ही बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बाहुबली और केजीएफ इन फिल्मों के बारे में। इसके डायरेक्टर थे एसएस राजामौली और प्रशांत नील। इन दो डायरेक्टर्स ने ये फिल्म बनाकर इतिहास रच दिया है। इन फिल्मों ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर दिया था। न जाने कितने रिकॉर्ड इन फिल्मों ने तोड़े हैं। हर एक के फेवरेट्स लिस्ट में आपको ये फिल्म निसंदेह मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन इन फिल्मों के सुपरहिट होने के पीछे इनके गानों का भी हाथ उतना ही है। दोस्तों, केजीएफ ये मूवी बाहुबली की तरह ही सुपर हिट हुई थी। इसके गाने क्या लाजवाब थे। इस पे गाना माँ पर भी बनाया गया था, वो आज भी लोगों की रिंगटोन्स में आपको सुनाई देगा। क्या कमाल म्यूजिक बनाया था इसका। ऐसा म्यूजिक था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा म्यूजिक जो लोगों के दिलों को छू जाता है। इस फिल्म में दमदार म्यूजिक था, इमोशनल करने वाला म्यूजिक भी था और इसी के साथ साथ आइटम सॉन्ग्स भी उतने ही फेमस थे इसके। आपको बता दूं, इस फिल्म को कई लैंग्वेजेस में डब किया गया था और इसी वजह से उन्हें ये सब गाने भी उस लैंग्वेजेस में करने पड़े थे। दोस्तों, मेहनत देख रहे हैं उनकी। यूं ही इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े हैं। इसमें से कुछ गाने जैसे कि सलाम रॉकी भाई, जो यश के एंट्री पर किया गया था, वो लोगों को काफी पसंद आया था। इसके दमदार बीट्स आज भी लोगों को उतने ही पसंद आते हैं जितने ये गाने आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ये गाना गाया था मोहन कृष्ण और संतोष वेंकी ने और इसका कोरस विजय प्रकाश ने दिया है। इस फिल्म में जो आइटम नंबर था वो नेहा कक्कर ने गाया था। जी हाँ दोस्तों, ये गाना एक क्लब आइटम सॉन्ग था। दोस्तों, अब इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही आ रहा है। अब ये हमें कौन से नए गाने देंगे, इसमें आइटम नंबर होगा या नहीं, या फिर इसमें कौन से नए राज खुलने वाले हैं, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आप इस मूवी और इसके गानों के लिए कितने एक्साइटेड हो ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक। हमें आखिर कैसे करेंगे यश 3000 लोगों की मदद। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। फिल्म केजीएफ के रॉकी भाई यानी सुपरस्टार यश आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके अभिनय और स्टाइल पर करोड़ों फैंस फिदा हैं। इसके अलावा यश अपनी दरिया दिल्ली के लिए भी जाने जाते हैं। यश अपने फैंस का खास ख्याल रखते हैं और सिर्फ फैंस का ही नहीं, अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों का भी काफी सम्मान करते हैं। अब खबर आ रही है
कि यश ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कर्मियों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण फिल्म इंडस्ट्री के काम बंद है। ऐसे में वहाँ काम करने वाले डेली वर्कर्स को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सुपरस्टार यश ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के 3,000 से अधिक कर्मियों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए मदद कैसे पहुंचेगी इस बारे में बताया है। यश ने अपने ट्विटर पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, कोविड-19 एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिसने देश के कई लोगों की आजीविका छीन ली। मेरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री कोविड के दौरान बुरे वक्त से गुजर रही है। ऐसे वक्त में मैंने ये तय किया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 21 डिपार्टमेंट के 3,000 से अधिक कर्मियों को अपने कमाए हुए रुपए में से 5,000 रुपए उनके खाते में सीधा भेजूंगा। मैं जानता हूं कि ये नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा जो आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त में झेला है, मगर ये एक आशा की किरण है। आशा इस बात की कि हम जल्द ही बेहतर वक्त देख पाएंगे। वर्क फ्रंट की बात करें तो यश जल्द ही फिल्म KGF चैप्टर 2 में नजर आएंगे। इस फिल्म का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने इस बात की घोषणा की है कि फिल्म 16 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त मुख्य विलन अधीरा के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज की जाएगी। यश की दमदार एक्टिंग से उन्होंने KGF के लिए खूब बड़ाई बतोड़ी है और अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड फैंस को भी अपना दीवाना बना दिया है। इस फिल्म के बाद वह एक साउथ एक्टर नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन जाएंगे। क्या आपको लगता है कि चैप्टर 2 में भी यश की एक्टिंग उतनी ही दमदार होगी? कमेंट कर हमें राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। किस फिल्म से प्रेरित थी प्रशांत की KGF? एक कहानी को फिल्म बनाने में किन पर्दे के पीछे के किरदारों का हाथ होता है? KGF में कौन सी टीम देख रही है एक्शन सीन्स का काम? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की ऐसी मूवी की जिसने सबको चौंका देने वाले रिकॉर्ड बनाए और एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए आ रही है KGF चैप्टर 2। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं KGF चैप्टर 2 की, लेकिन उससे पहले KGF सीरीज की उन उपलब्धियों की जो उसने हासिल की। बता दें कि KGF चैप्टर 1 के सारे डब्ड वर्जन को भारत में 20 दिसंबर 2018 में एक साथ रिलीज किया गया था। KGF चैप्टर 1 को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया और इस फिल्म के विजुअल और ट्रेलर देखकर यही लगता है कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। KGF चैप्टर 1 फिल्म को लेकर नॉर्थ साइड में भी ज्यादा लोग उत्साहित थे, क्योंकि वो इसके पहले बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के अंदर साउथ की फिल्म का कमाल देख चुके थे और वो कितने बड़े लेवल पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं और अपनी फिल्मों में कितनी मेहनत करते हैं वो देख चुके थे। हालांकि बाहुबली की पूरी सीरीज तेलुगु में शूट की गई थी और KGF पूरी की पूरी कन्नड़ भाषा में शूट की गई थी। अब की बार भी KGF को कन्नड़ में ही बनाया जाएगा, लेकिन हिंदी में भी डब किया जाएगा। लेकिन फिल्म KGF चैप्टर 1 से लोगों की उम्मीद जितनी ज्यादा थी उससे कहीं ज्यादा उम्मीद लोगों को KGF चैप्टर 2 से है, क्योंकि प्रशांत नील ने फिल्म का एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है। फिल्म को प्रशांत नील द्वारा लिखा और डायरेक्ट किया गया है, लेकिन आपको पता है कि लोगों को इनकी मूवी से इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों है? तो बता दें कि इन्होंने इसके पहले 2014 में भी कन्नड़ भाषा की एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म उग्रम को डायरेक्ट किया है, लेकिन उस फिल्म को हिंदी में डब नहीं किया गया था। ये प्रशांत नील के एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी और ये कन्नड़ भाषा में उस समय की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। KGF चैप्टर 1 फिल्म के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर
सिनेमेटोग्राफी और एडिटर के तौर पर प्रशांत नील की पहली फिल्म की टीम यानी कि उग्रम की टीम को ही लिया गया था। म्यूजिक में रवि बसरूर, सिनेमेटोग्राफी के लिए भुवन गौड़ा और एडिटर के लिए श्रीकांत गौड़ा को ही लिया गया था। इस वजह से फिल्म उग्रम और केजीएफ के अंदर सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में काफी कुछ चीजें एक जैसी देखने को मिलती हैं। इसकी सफलता के बाद जब इसे हिंदी में डब किया गया तो इसकी सफलता आसमान पर थी। इसके एक्शंस और कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया था और तभी प्रशांत नील ने इसका दूसरा पार्ट बनाने का फैसला भी कर लिया था, जिसमें आपको बता दें कई एलिमेंट्स जोड़े गए हैं। एक दमदार कहानी जो कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों होगी, साथ ही इसमें नए कैरेक्टर्स को साथ लाया जाने वाला है, जिसमें अधीरा जो कि हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है और रमिका सेन जो राजनीति से उठाया गया किरदार है और रॉकी जिसे तो हम पहले भी फिल्म में देख चुके हैं। केजीएफ 2 में प्रशांत की वही टीम इनके साथ भी काम कर रही है जो इनकी पहली फिल्म में इनके साथ थी। जी हाँ, क्योंकि वो टीम अच्छे से केजीएफ 2 की रिलीज के बारे में हाल ही में प्रशांत नील ने क्या कहा, केजीएफ 2 की शूटिंग लोकेशंस कौन सी हैं और इसमें कितने वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स सीन रॉकी वर्सेस अधीरा फाइट किस लोकेशन में शूट हुआ। 2021 में काफी सारी बड़ी फिल्में रिलीज के लिए प्लान की गई थी, लेकिन कोविड तो कुछ और ही मंजूर था। नतीजन हर एक बड़ी फिल्म को अभी भी रिलीज के लिए होल्ड पर रखा गया है और इस पोस्टपोन फिल्म्स में शामिल है साल की सबसे हाइप फिल्म केजीएफ 2, जो कि ऑल दो जुलाई के लिए एम की गई थी और अब अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। लेकिन हाल फिलहाल में जब कोविड की सेकेंड वेव थोड़ी डिक्लाइन होने लगी तो फिल्म के तगड़े फैन बेस ने फिल्म को रिलीज करने की डिमांड उठाई है। इस पे डायरेक्टर प्रशांत नील ने क्या कहा, जानते हैं आगे। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और लाई हूँ केजीएफ 2 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स का डोज लेकर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या खास है इस वीडियो में तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पास किसी भी फिल्म से जुड़ी अपडेट्स को लेकर आए तो वो आप सबसे पहले जान पाए। आपको बता दें प्रशांत नील ने फिल्म के नियर टाइम में रिलीज होने की सारी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि इस सिचुएशन में ऑडियंस को थिएटर में बुलाना एक सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कोविड का खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। साथ ही उन्होंने एड ऑन किया कि वो स्पेयर टाइम को केजीएफ 2 को और भी ज्यादा बेटर बनाने में यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि आपकी फिल्म को लेकर जो भी एक्सपेक्टेशन हो वो इससे ऊपर का ही प्रोडक्ट निकल के आए। और बात करें केजीएफ 2 को लेकर हाइप की, तो सिंपली इसके टीजर को मिले रिस्पॉन्स और इवन पीएम से रिलीज डेट के दिन हॉलीडे डिक्लेयर करने की मांग ही कहानी को अच्छे से बयां कर देती है। और इसी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए हम लेके आए हैं इनसाइडर डिटेल्स केजीएफ 2 की शूटिंग लोकेशंस को लेके। फिल्म के सेकेंड चैप्टर का श्री गणेश हुआ था 2019 में हैदराबाद और ठीक एक साल बाद मार्च 2020 में इसे डेफिनेट रीजंस के लिए रोकना पड़ गया। फिर जैसे ही अगस्त 2020 में कोविड रिस्ट्रिक्शन हटी, केजीएफ टीम ने अपना शूट शेड्यूल को बेंगलुरु के कांतावीरा स्टूडियोज में कंटिन्यू किया और इसके बाद ये पहुंचे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका में, जहां फिल्म का एक ग्रेट चंक कैप्चर किया गया और लास्टली फिर एक बार हैदराबाद का रूट पकड़ के फिल्म को रैप अप किया गया। सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट के मुकाबले काफी बड़े इरेक्ट किए गए थे और इनमें से मैक्सिमम रहे कोलार गोल्ड फील्ड में ही। इतने बड़े सेट्स को खड़ा करने पाने में जाहिर है काफी मैन पावर लगनी ही थी, इसलिए मेकर्स ने करीब 1200 वर्कर्स को डेली वेज 500 पर हायर किया और तो और इन सभी वर्कर्स का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस भी करवा के रहने खाने का इंतजाम वहीं पर कर दिया था। इस तरह केजीएफ 2 अपने शूट वर्कर्स के लिए इतने इंतजाम करने वाली फर्स्ट कन्नड़ फिल्म भी बन गई। और बात करें फिल्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन रॉकी वर्सेस अधीरा की, तो इसे हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया है और यही फिल्म की मेन हाईलाइट भी बनने वाली है। इस डेडली फेस ऑफ की शूट लोकेशन कंफर्मेशन खुद डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके की थी। तो आज की वीडियो में बस आईजी से हमें क्या लाइफ लर्निंग लेसन मिलते हैं, केजीएफ चैप्टर 2 से हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हर एक ग्रेट फिल्म की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, प्राइमरीली इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है और वो भी भर भर के। तो वही बैलेंस आउट करने के लिए छिपे होते हैं कुछ क्रूशियल लाइफ लेसन्स। हर एक ग्रेट स्टोरी टेलिंग आर्टिस्ट की ये ट्रेडमार्क क्वालिटी होती है कि वो मीडियम को इम्पैक्टफुल स्टोरीज डिसेमिनेट करने के लिए उसे करते हैं
फॉर एग्जाम्पल SSS राजमौली, प्रशांत नील, अनुभव सिन्हा एंड गुनीत मोंगा एटसेट्रा। इन आर्टिस्ट की फिल्मोग्राफी डेफिनेटली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो होती ही है, लेकिन साथ ही में इनमें छुपे होते हैं कुछ सब मिनिमल लाइफ एडवाइसेस, और आज इन्हीं लाइफ लेसन्स को हम करेंगे डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ प्रशांत नील्स KGF मूवी। मैं हूं आज की होस्ट रक्षिता, स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। KGF फ्रेंचाइजीज बड़े ही सटल वे में हमें लाइफ की रियलिटी का कड़वा घूंट पिला जाती है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन रहा है रैग्स टू रिचेस स्टोरी का। KGF के प्रोटैगनिस्ट रॉकी एंड इसे निभाने वाले कमाल आर्टिस्ट यश इस रैग्स टू रिचेस स्टोरी के जीते जागते सबूत हैं। जहां रॉकी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की एस्पिरेशन मन में पाले रखता है, तो वहीं यश स्टोरी को रियलिटी में सच करके दिखा गए हैं। यश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पिता एक बस ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन अपना हार्ड वर्क की बदौलत आज ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सेकेंड इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन होगा एडवर्सिटीज का डट के मुकाबला करना। एज ओल्ड सेइंग, ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। ऐसा ही कैरेक्टर है रॉकी का, जो कि हर एक अपॉर्चुनिटी को सही से ढूंढता है, पर फिर चाहे लाख मुश्किलें पेश हों, एक हाथी को मार गिराना हो तो रॉकी भाई हाजिर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज रहा वैल्यू ऑफ मदर्स अनकंडीशनल लव। यही जीवन का सार भी है कि माँ का प्यार का कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। रिमेम्बर, दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। एंड फाइनली यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब गरुड़ा के बॉडीगार्ड रॉकी को शूट करने आते हैं तो कैसे सभी लेबर्स कॉमन एनिमी के अगेंस्ट यूनिफाई हो जाते हैं, बस यही सीख सक्सेस का मंत्रा भी है। चाहे जितने भी टफ हो आप, अगर जंग को जीतना है तो लोगों का सपोर्ट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बेशक KGF चैप्टर 2 में भी एंटरटेनमेंट की भरी डोज के साथ वैल्यूएबल एडवाइस की भी भरमार होने वाली है, पर पहले इस सीक्वल से हमारी एक्सपेक्टेशंस को जरा बयां कर लेते हैं। फिल्म में सिनेमा के सबसे डेडली फेस ऑफ रॉकी वर्सेस अधीरा के ताबड़तोड़ होने की उम्मीद है, जहां सिर्फ इस एक बैटल के लिए ही मेकर्स ने करीब 6 करोड़ तक खर्च कर दिए हैं। सीक्वल में एक्शन एस्पेक्ट 5 गुना बढ़ने वाले हैं। एज ऑलरेडी टोल्ड बाय स्टार यश, स्टोरी वाइज तो ये फ्रेंचाइजीज कमाल है, लेकिन स्पेशली कैरेक्टर डेवलपमेंट में हमें और इलेबरेशन की उम्मीद है। जैसे कि अधीरा का फर्स्ट पार्ट में कोई खास रोल नहीं था, इस बार इसे काफी तसल्ली से इंट्रोड्यूस और डेवलप कराया जाएगा। फर्स्ट पार्ट के एंड में रॉकी गोल्ड माइन वर्कर्स के साथ स्टैंड हुआ दिखता है। अब देखना ये है कि इस राइटियस मैन की जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी। KGF फ्रेंचाइजीज की बुनियाद ही रॉकी का उसकी माँ से किया हुआ वादा है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, तो इस मदरहुड रिलेशन की भी थोड़ी बहुत किस्से देखने को मिल सकते हैं। सबसे मेन कैरेक्टर PM रमिका सेन के नेगेटिव और पॉजिटिव रोल से पर्दा उठाना काफी इम्पोर्टेंट है, और आखिर क्यों इसे रॉकी को मारने का फरमान जारी किया। कुछ एक एडिशनल कैरेक्टर जैसे विजेंद्र इंगालगी, इनायत खलील और CBI ऑफिसर की स्टोरी में इम्पोर्टेंस कायम की जाएगी। फर्स्ट पार्ट ने रॉकी के अलावा गोल्ड माइन के और भी सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे स्टोरी टेलर, शांति, ब्लाइंड वर्कर को डिफाइन कर दिया है। सेकेंड पार्ट में इनकी इम्पोर्टेंस इलेबरेट होने की उम्मीद भी है। एंड फाइनली जर्नलिस्ट आनंद इंगालगी कैसे इस हिडन स्टोरी को जानते हैं और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी बुक को बैन और रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू किया, इन फ्लेमिंग क्वेश्चन से आंसर तभी मिल पाएंगे जब KGF का मच अवेटेड चैप्टर 2 होगा रिवील। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली। इसको और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा इस फिल्म का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। इस समय कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको लेकर काफी समय से इंतजार चल रहा है, लेकिन किसी न किसी कारणवश फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन होती जाती है। ऐसे में मोस्ट अवेटेड फिल्म की लिस्ट में नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो यश की KGF चैप्टर 2 है।
कन्नड़ सुपरस्टार की इस फिल्म के पहले चैप्टर ने रिलीज होकर धमाका मचा दिया था और उस वक्त शाहरुख की जीरो रिलीज हुई थी और सोचिए इतनी भयंकर टक्कर थी। ऐसे में केजीएफ चैप्टर 2 आगे निकल गई और सबको हैरान करके रख दिया। वहीं आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, 16 जुलाई को इसे रिलीज होना था और टीजर और ट्रेलर भी ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया जिसने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड्स भी तोड़े। वहीं अब जो जानकारी सामने आ रही है वो केजीएफ फैंस के लिए थोड़ी सी निराशाजनक है। आपको बता दें कि इस फिल्म को भी अब पोस्टपोन किए जाने की बात की जा रही है क्योंकि लॉकडाउन के चलते थिएटर्स बंद है और मेकर्स हर हाल में इसे थिएटर में ही रिलीज करना चाहते हैं क्योंकि ये थिएटर के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बनाई गई है। इसे बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया गया है। खुद यश ने कहा था कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम OTT पे नहीं बल्कि थिएटर्स में ही आएंगे। हालांकि अब फिल्म कब रिलीज होगी ये तो कहा नहीं जा सकता, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन 16 जुलाई को इसे रिलीज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं जानकारी के मुताबिक बता दें जब देश भर में थिएटर 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खुलेंगे तभी केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज किया जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी बजट की ये फिल्म है और इतना बड़ा लॉस ये नहीं झेल सकती। इस फिल्म से अक्सर किसी न किसी तरह की खबर सामने आती रहती है जो कि फैंस की धड़कनों को लगातार बढ़ा देती है। हाल ही में पता चला था कि ये फिल्म काफी लंबे होने वाली है और फैंस काफी समय तक इसका मजा ले पाएंगे। पता चला था कि फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 52 मिनट की होने वाली है। हालांकि इस समय इतनी लंबी कुछ ही फिल्में देखने को मिल रही हैं, अब सारी शॉर्ट फिल्में बन रही हैं। वहीं आपको बता दें इसके अलावा फिल्म की कहानी को लेकर पता चला था कि ये जहां से खत्म हुई थी यानी कि KGF चैप्टर 1 जहां खत्म हुई वहीं से KGF चैप्टर 2 की दमदार कहानी को आगे बढ़ाया जाना है। और साथ ही आपको बता दें इसमें रवीना टंडन और संजय दत्त भी अहम भूमिकाओं में होने वाले हैं और संजय दत्त का किरदार जो है विलन का किरदार है, लीड किरदार है और इसमें यश और संजू बाबा की धमाकेदार फाइटिंग सीक्वेंस होंगे, शर्टलेस होंगे। इसके लिए बॉडी पर बराबर काम किया है दोनों ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अब देखना होगा कब ये रिलीज हो पाएगी। आपको कितना वेट हो रहा है इस फिल्म का नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। राव रमेश का क्या किरदार होगा KGF 2 में? KGF 2 की रिलीज डेट पर किसका काला साया मंडरा रहा है? 16 जुलाई लेकिन कौन से साल की KGF 2 को लेकर इसका क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की उस फिल्म की जो तब से ही सुर्खियों में है जब से इसका दूसरा पार्ट बनने की बात सामने आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगातार अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट में बदलाव हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सिनेमाघर बंद है जिस कारण फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों की रिलीज डेट टालने को मजबूर है। निर्माताओं को उम्मीद है कि जल्द ही देश के हालात सामान्य हो जाएंगे जिसके बाद वो अपनी फिल्में रिलीज कर पाएंगे। साल 2021 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों की बात की जाए तो उनमें KGF 2 सबसे ऊपर आती है। यश, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर KGF 2 का इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे हैं। बीते दिनों सुनने में आया था कि कोरोना की वजह से KGF 2 के मेकर्स अपनी फिल्म को अगले साल ला सकते हैं, पर मेकर्स ने इन खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और बताया है कि वो अपनी फिल्म को इसी साल रिलीज करेंगे। KGF 2 में काम करने वाले कलाकार राव रमेश के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने उनका फर्स्ट लुक रिवील किया है। फर्स्ट लुक रिवील करने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। मेकर्स ने बताया है कि वो अपनी फिल्म को 16 जुलाई के दिन ही बड़े पर्दे पर रिलीज करेंगे, लेकिन KGF 2 के मेकर्स ने तारीख के साथ साल का खुलासा नहीं किया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म अगर इस साल रिलीज नहीं हो पाई तो मेकर्स अगले साल इसी तारीख पर इसे दर्शकों के सामने पेश करेंगे। कोरोना से बिगड़े हालातों पर चर्चा करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि देश के कई हिस्सों में हालात काफी गंभीर है। सरकार कोरोना मामलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है लेकिन ये जल्द कम होते नहीं दिख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हालात पर काबू पाया जा सकेगा।
अगर राव रामेश की किरदार की बात करें तो ये फिल्म में क्लाइमैक्स सीन में नजर आएंगे जिन्हें यश के साथ दिखाया जाएगा। ये लुक इनका राव रामेश के जन्मदिन पर सामने आया। अब इनके किरदार में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा ये देखने लायक होगा। अगर आप भी इनके किरदार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वैसे लोग KGF 2 को सिनेमा में रिलीज होते देखना चाहते हैं और बिना इसके उन्हें KGF 2 को देखने में मजा नहीं आने वाला है। तो आप KGF 2 को किस स्क्रीन पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम आपके पास KGF के लीड एक्टर रॉकी भाई का लुक और कैरेक्टर ट्रेट कैसे शादी के महानायक अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड था, KGF स्टोरी कैसे ट्रायल एंड टेस्टेड एंग्री यंग मैन थीम को पोर्ट्रे करती है, फिल्म मेकिंग में इंस्पिरेशंस के लिए हमेशा से ही जगह रही है, ना जाने कौन सा कैरेक्टर किसी फिल्म मेकर को किस पॉइंट पे इंस्पायर कर जाए वो अपने अगले प्रोजेक्ट में इस इंस्पिरेशन से एक अलग ही लेवल का कैरेक्टर पैदा कर दे। इवन हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान और मार्टिन स्कोरसेसी ने यह कहा है कि इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत राय के वर्क्स अप्पू ट्रायलॉजी और पत्थर पंचली ने उन्हें फिल्म मेकिंग के लिए काफी इंस्पायर किया। कहीं ना कहीं हर एक फिल्मी कैरेक्टर सीक्रेटली किसी प्रीवियसली हिट कैरेक्टर और पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड होता है और आज हम ऐसे ही एक सुपर हिट कैरेक्टर KGF के रॉकी के इंस्पिरेशन की बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका। रॉकी भाई के रस्टी और विंटेज लुक ने हम सबको अमेज करके रख दिया था और ऑथेंटिक फील के लिए जब इन्हें 70s के कपड़े पहनाए गए तो इस कैरेक्टर से जरूर आपको 70s और 80s के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी की झलकी आई होगी। एस वी नो मूवी सेट है 70 के टाइम पे तो डायरेक्टर प्रशांत नील सिर्फ लुक से ही उस टाइम पीरियड की एसेंस क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस समय के सबसे बड़े स्टार बच्चन साहब के रेट्रो लुक्स को रेप्लिकेट करने की सोची। इसलिए रॉकी भाई के बाल लंबे रखवाए गए और इन्हें ओल्ड स्टाइल बेल बॉटम कोट पैंट पहनवाया गया। सिर्फ लुक्स तक ही नहीं बल्कि KGF अपनी स्टोरी थीम को लेके भी 70s हिंदी सिनेमा से मेजर इंस्पिरेशन लेती है, जहां हमें सिमिलर एंग्री यंग मैन बेस्ड प्लॉट दिखने को मिलता है। खुद अमिताभ बच्चन ने भी कहा है कि KGF एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्टोरी है, एक रेबेलियस प्रोटैगोनिस्ट जो कि लार्जर देन लाइफ शेड में दिखाया गया है और उसका बेसिक काम है लाचार और बेसहारा लोगों के हक के लिए लड़ना। और सिमिलर ही स्टोरी लाइन द मोस्ट 70s बेस्ड सिनेमा की हुआ करती थी, बट एट द सेम टाइम KGF ने इन मिनट प्लॉट और कैरेक्टर ट्रेट तक की इंस्पिरेशन ड्रो की और इसी के बलबूते पे ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी ऑडियंस तक पहुंचाई, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इंस्पिरेशन ड्रो करने का असल मकसद ही यही होता है कि ऑलरेडी प्रेजेंटेड सागा को अपने अलग ढंग से रिप्रेजेंट करना, और इस मामले में तो KGF फ्रेंचाइजी ने लाजवाब काम किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई। कैसा होगा रवीना टंडन का फिल्म में किरदार, आखिर क्या बताया रवीना ने फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में। बॉयग्राज स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। फिल्म KGF चैप्टर 2 की चर्चा तभी से है जब से इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज होकर हिट हुआ था। फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। निर्देशक प्रशांत नील की इस फिल्म में इस बार बॉलीवुड एक्टर्स रवीना टंडन और संजय दत्त भी देखने को मिलेंगे। हाल ही में रवीना टंडन ने इस फिल्म में निभाने वाले किरदार पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने हामी भर दी थी बिना पार्ट 1 देखे, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी शानदार थी। रवीना कहती हैं, फिल्म की स्टोरी लाइन से मैं काफी इम्प्रेस हुई थी, टीम से लगातार बातचीत हो रही थी, प्रशांत ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और बिना पार्ट 1 देखे मैंने फिल्म के लिए हामी भर दी। फिर जब मैंने पार्ट 1 देखा तो मेरा होश उड़ गए, मेरे लिए ये न्यू एज सिनेमा अप्रोच था। हालांकि ये भी मेरे लिए जरूरी होता है कि पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में स्टोरी लाइन किस तरह दर्शकों को प्रभावित करती है, और फिर मेरा रोल काफी दिलचस्प होने वाला था तो मैं इसके लिए कैसे मना करती। रवीना आगे कहती हैं कि प्रशांत नील का काम शानदार रहा है, मुझे लगता है कि उनका काम ही उन्हें स्पेशल बनाता है, क्योंकि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उनके दिमाग में कब क्या आइडिया आ जाए। असल दुनिया में वे काफी शांत किस्म के व्यक्ति हैं। मस्त मस्त गर्ल के नाम से फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपने बर्थडे के मौके पर फिल्म KGF चैप्टर 2 से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने फैंस के लिए फर्स्ट लुक शेयर किया था। इस लुक में वो बहुत प्रभावशाली लग रही हैं।
रवीना लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर इस फिल्म से जोरदार वापसी करने जा रही हैं। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में वो रमिका सेन के रोल में दिखाई देंगी। अपने फर्स्ट लुक को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए छोटा सा संदेश लिखा है रवीना ने लिखा, पेश है #KGFChapter2 से #RamikaSen। बर्थडे के शानदार तोहफे के लिए केजीएफ की टीम को धन्यवाद। फर्स्ट लुक में वे मरून कलर की साड़ी पहने बेंच पर बैठे हुए दिख रही हैं और उनकी नम आंखें बता रही हैं कि वो बहुत भावुक है। बेंच पर बैठी हुई रवीना इस लुक में बहुत प्रभावशाली लग रही हैं। तो इस फिल्म में संजय दत्त विलेन का लीड रोल करने वाले हैं। इस फिल्म में संजय दत्त के किरदार का नाम अधीरा है और उनकी भूमिका फिल्म में धांसू होने वाली है। तो क्या लगता है आपको, क्या 90s की ये फेमस एक्ट्रेस और किरदार के बारे में क्या कहा डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म के रियलिटी से अलग होने पर? क्या कभी केजीएफ को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी। केजीएफ चैप्टर 2 के लिए हर कोई बेकरार है। इस फिल्म के पहले चैप्टर ने अपनी जो हम पर छाप छोड़ी है और जिस तरह रॉकी भाई को आप सभी का प्यार मिला, वो इसी बात से पता चल जाता है कि फिल्म 2018 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म बन गई और आज 3 साल बाद भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है। वहीं फिल्म के बाद कई लोगों को तो ये पता चला कि केजीएफ असलियत में कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां दुनिया की सेकेंड डीपेस्ट सोने की खदान है। मुन्ना भैया ने ऐसे ही नहीं बोला था पढ़ाई वढ़ाई करो आईएएस वाईएएस बनो, उन्हें पता है देश के कितने अच्छे दिन आ चुके हैं। खैर, अगर लोग केजीएफ की असली कहानी से अनजान हैं तो चलिए हम थोड़ा सा ज्ञान बांट देते हैं, लेकिन फ्री में ज्ञान नहीं बांट रहे, फीस तो लगेगी और वो है आप लोगों का हमारे चैनल के लिए प्यार और सब्सक्रिप्शन। वहीं करते हैं शुरू इस वीडियो को लेकर रॉकी भैया का नाम। तो दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक माइन क्षेत्र है। ये फिल्म 70 के दशक पर बेस्ड है और कोलार गोल्ड फील्ड्स के फेमस राउडी थंगम की रियल लाइफ कहानी पर बेस्ड है, लेकिन फिल्म के लेखक और डायरेक्टर प्रशांत नील इस बात को नहीं मानते। साल 1871 था जब ब्रिटिश सेना के एक रिटायर्ड आयरिश सैनिक माइकल फिट्ज़गेराल्ड लोवेल ने बैंगलोर कंटेनमेंट को अपना घर बना लिया। रिटायरमेंट लोवेल के लिए एक ड्रैग था जो न्यूजीलैंड में माओरी युद्ध से लड़कर अभी अभी लौटे थे। हालांकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को बड़े पैमाने पर बनाने की उम्मीद थी, लेकिन लोवेल ने अपना अधिकांश समय पढ़ने में बिताया और 1804 एशियाटिक जर्नल के एक 4 पेज के लेख ने लोवेल को एक ऐसी यात्रा पर भेजा जिसने दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड्स को जन्म दिया। ब्रिटिश इंजीनियरों और दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए कोलार छोटा इंग्लैंड था। इंग्लैंड के बंगले और क्लब जैसे मौसम ने केजीएफ को एक आदर्श घर बना दिया। ब्रिटिश माइन कॉलोनाइजेशन होने के कारण केजीएफ में जीवन ब्रिटिश संस्कृति के काफी प्रभावित था। जबकि 2018 की फिल्म केजीएफ, जिसे साल की सबसे बड़ी कन्नड़ फिल्म के रूप में जाना जाता है, ने इस भूली बिसरी माइन सिटी और भारत के गोल्ड रश के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा की है। मेकर्स मानते हैं कि फिल्म एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है बल्कि फिक्शन है। हालांकि ये कोलार गोल्ड फील्ड्स की रियल कहानी की तुलना में काफी अलग है। आपको बता दें, संजय दत्त के साथ केजीएफ 2 की कहानी अब आगे बढ़ाई जा रही है और जिस दिन से संजय का अधेरा का फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, तब से हर कोई संजय और यश के बीच एक डार्क और इंटेंस फेस ऑफ का वेट कर रहा है। वहीं संजय का लुक फिल्म में काफी अलग और हटकर है, जिसे पहले हमने या तो हिस्टोरिकल फिल्मों या हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा है और पसंद किया है। और आपको बता दें, नार्ची गोल्ड नाम की वेबसाइट पर अधीरा द्वारा पहनी गई और पोस्टर में देखी गई सिल्वर लायन शेप रिंग ऑनलाइन भी बिक रही है, वो भी 3000 रुपए में। इस शेर की शक्ल वाली रिंग का क्या है महत्व, तो ये रेफरेंस शायद अधीरा के लिए दिया गया है। वहीं यश का केजीएफ चैप्टर 2 से वायरल हुआ पोस्टर में भी ये शेर की मूर्ति बैकग्राउंड में दिख रही है, जिसके सामने बंदूक पकड़े यश युद्ध के लिए तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या अधीरा की टेरिटोरी में रख दिया है रॉकी ने कदम, और क्या अंजाम होगा इस ट्रेसपासिंग का? और क्या आपने अधीरा की गड़ी हुई तलवार के उस पोस्टर को देखा जिसकी टैगलाइन है अनवीलिंग द ब्रुटैलिटी? क्या आपने तलवार के पीछे की सफेद लाइन पर ध्यान दिया है? क्या ये हिंट देता है कि अधीरा कुछ समय के लिए केजीएफ पर कब्जा करने में सफल होगा? क्योंकि सफेद रेखा को दूसरों द्वारा पार नहीं किया जाना चाहिए था, इसीलिए अधीरा ने तलवार को उस रेखा के बाहर गाड़ दिया था जो उसके डोमिनेंस को इंडिकेट करता है। फर्स्ट लुक में 71 वर्षीय अभिनेता
ड्रेडलॉक हेयर स्टाइल, एक ब्रेड और अंडरकट और टैटू जैसे वर्सेटाइल एलिमेंट्स के मिक्सचर के साथ एक हॉलीवुड हिस्टोरिक विलन की वाइब दे रहे हैं। ये सभी एलिमेंट्स अधीरा के कैरेक्टर में फियर्सनेस और पर्सनैलिटी को जोड़ते हैं। इस तरह के परफेक्शन के लिए शूट के दिन इस हेयर स्टाइल को बनाने में घंटों लग जाते थे। हमने हॉलीवुड की मशहूर सीरीज वाइकिंग्स में भी इसी तरीके के एलिमेंट्स देखे हैं। फिल्म में संजय दत्त के चेहरे पर एक वर्टिकल टैटू है। देवनागरी स्क्रिप्ट के कुछ शब्द उनके चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं और माना जा रहा है कि यह संजय दत्त के कैरेक्टर के लिए पवित्र का तप्पू रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि 14 अप्रैल 2022 को केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने की अब कंफर्मेशन आ गई है, तो दूसरी ही ओर थिएटर्स भी खुल रहे हैं। ऐसे में लगता है अब ये रिलीज होकर ही रहेगी और फाइनली अब रॉकी अपनी माँ का सपना पूरा कर सकेगा। वहीं फिल्म से जुड़े किस विलन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, रमिका सेन, इनायत खलील या फिर अधीरा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड राज स्टूडियो के फ्रेश न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आपको यहां मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी इस वक्त चल रही है। केजीएफ में आखिर किसका राज होने वाला है? अधीरा वापस आएगा तो कैसे रॉकी भाई उसका सामना करेंगे? रमिका सेन ने क्यों आखिर भाई के खिलाफ डेथ वारंट निकाला? ऐसे कितने सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए पिछले 3 सालों से पूरी इंडिया की ऑडियंस इंतजार में बैठी है। आखिरकार इस फिल्म को 2021 में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक में दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज डेट अगले साल 14 अप्रैल तक शिफ्ट कर दी गई। काफी लंबे इंतजार के बाद केजीएफ से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। केजीएफ के पहले पार्ट में अपनी सुरीली आवाज देने वाली सिंगर अनन्या भट्ट का सिंगल सॉन्ग केजीएफ चैप्टर 2 में भी रिकॉर्ड किया गया है और वो गाना बहुत जल्द अगले महीने ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। जब इस गाने से रिलेटेड अनन्या भट्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो इस सॉन्ग की रिलीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फैंस के लिए उन्होंने एक स्पेशल मैसेज दिया जिसमें उन्होंने बताया कि सभी को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। गाने को रिकॉर्ड करते हुए उन्हें बेहद ही ज्यादा खुशी थी। ये गाना काफी ज्यादा खूबसूरत है और एक अलग ही इम्पैक्ट फैंस के बीच में छोड़ने वाला है। केजीएफ फिल्म को लेकर इस गाने से सभी की एक्साइटमेंट 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। उनके इस इंटरव्यू के बाद से ही केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। गाना अभी तक रिलीज भी नहीं किया गया है, लेकिन केजीएफ की हाइप वापस से बढ़ गई है, जिस वजह से फैंस ने ट्विटर पर एक अलग डिमांड करके केजीएफ की मेन कॉज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। फैंस की काफी ज्यादा ही डिमांड आ रही है कि कोरोना की थर्ड वेव अगले साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो कहीं फंकी रिलीज डेट वापस ना हो जाए। इसलिए फैंस चाहते हैं कि इस फिल्म को 2021 में अभी किसी भी महीने के अंदर अंदर रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हालत काफी ज्यादा काबू में है और थिएटर्स को भी अगले महीने से खोला जा रहा है, जिस वजह से फैंस डिमांड की है कि 2021 में ही फिल्म को रिलीज किया जाए। फैंस की इस डिमांड से ट्विटर पर एक अलग ही माहौल बन गया है। हर कोई काफी ज्यादा ट्वीट करके फिल्म की रिलीज डेट को वापस से रिशेड्यूल करके 2021 में रिलीज करने की डिमांड कर रहा है। लेकिन फैंस की डिमांड का रिस्पॉन्ड देते हुए मेकर्स ने बताया कि फिल्म को फाइनल कर दिया गया 14 अप्रैल 2022 में रिलीज करने के लिए और तभी फिल्म को रिलीज भी किया जाएगा। कोरोना की थर्ड वेव भी अगर आती है तो फिल्म की रिलीज डेट शायद चेंज ना हो। तो दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं, फिल्म की रिलीज डेट को वापस से 2021 के किसी महीने में शेड्यूल किया जाए या फिर अगले साल तक का आप वेट कर सकते हैं? आपकी क्या इच्छा है नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताए। फिल्म से रिलेटेड आज की अपडेट में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, कभी कभी सभी फैंस को ये सुनकर जरूर शॉक लगता है कि उनके मन पसंदीदा एक्टर्स को भी किसी मूवी में एक्ट करने के लिए कैसी कैसे अटपटी डाइट प्लान फॉलो करने पड़ते हैं। कभी कभी तो दोस्तों ऐसे डरा देने वाली खबरें भी सामने आ जाती है, जहाँ पर दोस्तों ये कहा जाता है कि एक्सट्रीम डाइट के कारण कोई स्टार सेट पर ही फेंट हो गया या फिर उसे अचानक से ही चक्कर आ गए। ये सोचकर ही ख्याल आता है कि स्टार्स वाकई में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं इस मूवी के लिए। तो दोस्तों, आइए हम आप लोगों को एक ऐसी ही अपकमिंग मूवी में उस मूवी के मेन एक्टर ने कैसे कैसे अनोखे डाइट एंड जिम प्लान फॉलो किए हैं वो बताते हैं। तो जिस मूवी की यहाँ बात की जा रही है वो है अपकमिंग मूवी केजीएफ 2। तो दोस्तों, यश हमेशा से ही एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं। दोस्तों बता दूं कि वो मीट और अल्कोहल को हमेशा दो ओकेजन पर ड्रॉप कर देते हैं, पहला है न्यू ईयर के टाइम पर और दूसरा है मकाओ के टाइम पर। यश रोज स्मॉल ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं जिसके बाद वो हमेशा अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। यश हमेशा अपना ब्रेकफास्ट खुद ही प्रिपेयर करते हैं, जिसमें सबसे नेसेसरी होता है क्रैब और इसके साथ साथ होता है बिग बाउल ऑफ नटमेग, 8 ब्राउन ब्रेड्स, 8 एग्स एंड वेजिटेबल्स। ये फूड रिक्वायरमेंट है उनके हर कैरेक्टर के साथ बदल जाती है।
वैसे बता दूं कि रोज 11 बजे यश प्रोटीन शेक्स एंड फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। यश को फिश खाना काफी पसंद है, लेकिन हर मूवी से एक वीक पहले वो फिश का कंजम्पशन बंद कर देते हैं। उन्होंने केजीएफ 2 से पहले भी ऐसा ही करा है। और सबसे अजीब जिम हैबिट जिसको यश फॉलो करते हैं वो है रोज 2 बार जिम जाने की हैबिट। दोस्तों केजीएफ 2 के लिए यश ने अपने डेली फिटनेस शेड्यूल डबल कर दिया है। वो सुबह 6 बजे जिम चले जाते थे जहां पर वो कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे वर्कआउट करते थे। और यश के ट्रेनर ने केजीएफ 2 से रिलेटेड यश का ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके लिए कहा है कि यश का ट्रेनिंग शेड्यूल डिफरेंट एक्सरसाइज में बटा हुआ है और ये बात बिल्कुल सच भी है। यश सुबह अपनी ट्रेनिंग कार्डियो से शुरू करते हैं जिसके बाद वो शाम को हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। यश ने केजीएफ 2 के लिए जो कि उनकी ही तरह फिट बॉडी पाना चाहते हैं। अब इस फिल्म के रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म से जुड़ी कई और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और दोस्तों हम क्या है फिल्म की शूटिंग लोकेशन से जुड़ी की डिटेल्स, क्या होने वाला है केजीएफ 2 का क्लाइमेक्स, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों आज एक बार फिर बात करने वाले हैं फिल्म केजीएफ के अपकमिंग चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि केजीएफ चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई थी और वर्ल्ड वाइड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। यही रीजन है कि इसका चैप्टर 2 सभी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में मोस्ट एंटिसिपेटेड है। इस फिल्म से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर यश को भी सिनेमैटिक फैन से काफी रिकॉग्नाइजेशन मिली और अब उनकी गिनती एक रेजिंग सुपरस्टार के तौर पर की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म केजीएफ 2 के शूटिंग लोकेशंस के बारे में। जब से केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई और खबरें आई कि केजीएफ चैप्टर 2 भी जल्द ही आने वाली है, सभी फैंस के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन सी है वो लोकेशन जहां पर केजीएफ 2 की शूटिंग चल रही है। तो आपको बता दे मार्च 2019 में ही फिल्म का पहला शूटिंग सीक्वेंस हैदराबाद में शूट किया गया था जो अगले कुछ महीनों तक चला, लेकिन उसके बाद मार्च 2020 में ही कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से इसे रोक दिया गया और उसके कुछ ही महीनों बाद यानी अगस्त 2020 में बैंगलोर के कटिवारा स्टूडियो में फिल्म को रिज्यूम किया गया। बैंगलोर के फेमस कोलार गोल्ड फील्ड्स में भी फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की शूटिंग हुई है। केजीएफ 2 के शूटिंग लोकेशंस का सबसे बड़ा हाईलाइट पार्ट था गोवा का दूध सागर वॉटरफॉल्स। जी हाँ, इस जगह पर यश के कुछ धमाकेदार एक्शन स्टंट्स की शूटिंग हुई है और जो इस फिल्म के सबसे अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस के तौर पर माना जा रहा है। जी हाँ, बता दे दूध सागर वॉटरफॉल्स इंडिया की सबसे खूबसूरत और एग्जॉटिक लोकेशंस में से एक है और उस लोकेशन पर शूट किया गया है यश का खतरनाक एक्शन। कितना थ्रिलिंग होने वाला है हम इस बात का अंदाजा सिर्फ बातों से ही लगा सकते हैं। जल्द ही फिल्म रिलीज होने वाली है, हम जानते हैं आप सभी इस अपकमिंग फिल्म के लिए बेहद उत्सुक हैं। दोस्तों किसी भी फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का क्लाइमेक्स, स्पेशली जब फिल्म एक एक्शन थ्रिलर हो। इसीलिए फिल्म मेकर्स कभी अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स को रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन मजे की बात तो ये है कि हम आपको केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। बता दे फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए एक सुपर एक्सपेंसिव सेट का अरेंजमेंट किया गया और सेट को हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में लगाया गया। क्लाइमेक्स के सीक्वेंस का ये मेन सीन यश और संजय दत्त के बीच एक दमदार एक्शन स्टंट पर बेस्ड रहने वाला है। माना जा रहा है कि ये एक्शन सीक्वेंस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आज तक का सबसे एक्सपेंसिव एक्शन सीक्वेंस होने वाला है जो वाकई में ऑडियंस को सरप्राइज कर देगा। आप सभी कितने एक्साइटेड है केजीएफ 2 के लिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे